ये हमजा टेलीमार्ट के को-फाउंडर है, 27 साल इनकी उम्र है, बिलियंस इनके टर्नओवर है, हर साल 25 लाख से ज्यादा इनके कस्टमर्स हैं, एंड आज बहुत सारे सबक इनसे सीखेंगे, एंड ही इज ऑल्सो गोइंग टू ऑफर यू अ फ्रेंचाइज अपॉर्चुनिटी 8 लाख में, कि अगर आप एग्जिस्टिंग मोबाइल रिटेलर हैं, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर हैं, तो आप भी टेलीमार्ट की दुकान कैसे ले सकते हैं, देखिए। यहाँ पे रोक रहा हूँ इसलिए क्योंकि बिकॉज मैं यहाँ पे बैठा हूँ, हर वीडियो मुझे देखना पड़ता है और छोटे से छोटा करना पड़ता है ताकि आप लोग बोर ना हो, बट कुछ अपॉर्चुनिटी मुझे नहीं मिल रही। हमजा के 6 साल एक तरफ, मेरे 30 साल तजर्बा बिजनेस का एक तरफ, यार ये बाड़ी है। देयर सो मच टू लर्न इन दिस, 20 प्लस इसमें लेसन है कि आई वुड डेफिनेटली से कि यार अगर आपको जिंदगी में कुछ खटना है, पैसे कमाने हैं, तो ये वीडियो इसका पूरे का पूरा देखिएगा। इफ यू वॉन्ट ग्रोथ इन योर सेल्फ, बिजनेस कॉन्सेप्ट से सीखे भाई, देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चायवाला और ये हैं हमजा अब्दुल रऊफ, टेलीमार्ट के को-फाउंडर हैं। इनकी तारीफ सिंपली ऐसी है कि आपका एनुअल टर्नओवर क्या? अल्हम्दुलिल्लाह इन बिलियंस ऑफ रुपीस। माशाल्लाह, आपके कुल ग्राहक कितने हैं? सिंस इंसेप्शन हमारे अल्हम्दुलिल्लाह 25 लाख से ज्यादा जो है वो कस्टमर्स हैं। आज इनकी उम्र 28 साल है, 27 साल है, 28 के होने वाले हैं, होने वाले हैं। एंड आपने ये कब शुरू किया? हमने शुरू किया था 2013 से, इसकी आइडिएशन पे काम चल रहा था और ऑफिशियली जो लॉन्च हमारी डेट है टेलीमार्ट की, दैट इज मई 2014, तो मई 2014 में ऑफिशियली हमने 21-22 साल आपकी उम्र थी। बिल्कुल, माशाल्लाह। बहुत सारे बच्चे एट दी एज ऑफ 21 उनको पता नहीं होता कि भाई उनको ज़िंदगी में क्या करना है, गुम होते हैं, बट ही ऑलरेडी न्यू, एक विजन था इनके पास कि पाकिस्तान का सबसे बड़े वाला या वन ऑफ द बिगेस्ट टेक स्टोर्स, ई कॉमर्स स्टोर्स मैंने खड़ा करना है। यस, वॉज दैट द विजन राइट फ्रॉम डे वन? अच्छा, फ्रॉम डे वन ऑब्वियसली दैट वॉज द विजन। स्टार्ट में हमारा जो विजन था वो थोड़ा और ब्रॉड था, वी वर फोकसिंग मोर ऑन के यार ई कॉमर्स मार्केट प्लेस है और सब बेचना है, सारी चीज़ें करनी है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए कि हमेशा जो पहला प्लान होता है, पहला विजन होता है, वो सक्सेसफुल नहीं होता है। देर इज़ नो, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए कि यार हमने अलॉन्ग द वे सीखा, उसको इम्प्लीमेंट किया, चीज़ों को चेंज किया, जिसको हम पिविट कहते हैं अंग्रेजी में। तो हमने स्टार्ट तो इस तरह किया था कि हमें एक ऑनलाइन शॉपिंग डेस्टिनेशन बननी है, सब बेचना है, और सब बेचने के लिए सबसे अच्छा जो प्लेटफॉर्म या प्रेफरेंस हो वो टेलीमार्ट होनी चाहिए। लेकिन अलॉन्ग द वे वी कार्व्ड आउट आर पाथ और हमने कहा कि नहीं यार, वी आर एन ओमनी चैनल ई कॉमर्स मार्केट प्लेस बट विद अ फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स। तो फिर हमने एक अपनी नीश आइडेंटिफाई करके फोकस जो है वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स पे रखा है। हम बेचते बाकी कैटेगरीज भी हैं, लेकिन पीपल नो अस मोर फॉर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स, गैजेट्स, मोबाइल फोन्स। तो ये दिस इज समथिंग व्हिच हैज़ ट्रांसलेटेड एंड व्हिच हैज़ ऑब्वियसली चेंज्ड अलोंग द इयर्स। आपकी कोई ये एम्बिशन तो नहीं है कि कल हम इतना बड़ा हो जाएं कि ईबे आई या अमेज़न आई या उसके और कोई कंपेटिटर्स आए और हमें खरीद लें, इज दैट द प्लान? नहीं, दैट वाज नेवर द गोल। अगर ये गोल होता तो काफ़ी टाइम पहले टेलीमार्ट जो है वो कहीं जा चुका होता किसी और प्लेयर के साथ। यस, तो हमारा गोल अल्टीमेटली देखा, मैंने कहा ना, हम ये नहीं कहते कि वी वांट टू बी द लार्जेस्ट ई कॉमर्स स्टोर ऑफ पाकिस्तान, नो, वी वांट टू बी द फाइनेस्ट। और एक ऐसी सर्विस देना, एक ऐसी प्रोडक्ट क्वालिटी देना कि हम कह सकें कि यार एक पाकिस्तानी फुली होम ग्रोन पाकिस्तानी ब्रांड है जो सर्विस लेवल वाइज ग्लोबल प्लेयर्स की टक्कर का है। लेकिन आपने पसे पर्दा मुझसे कहा था कि जो ऑनलाइन कस्टमर होता है, ई कॉमर्स से जो खरीदता है, वो सबसे फिकल होता है, वो सबसे अनरिलायबल होता है, उसको बार बार अक्वायर करना पड़ता है, यानी उसमें लॉयल्टी बहुत कम होती है। सो हाउ इन दैट यानी सिचुएशन, साइकोलॉजी ऑफ कस्टमर्स, कैसे आप बिलवर्ड बनेंगे, व्हाट इज़ द प्लान? अच्छा, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि ई कॉमर्स इंडस्ट्री सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, ग्लोबली भी इट्स नोन टू बी वन ऑफ द मोस्ट प्राइस सेंसिटिव इंडस्ट्रीज। प्राइस सेंसिटिव का मतलब यह है कि वहाँ पर कस्टमर्स के लिए प्राइस बड़ी इंपॉर्टेंट होती है और वो सस्ते प्राइस के पीछे भागते हैं, और उसकी वजह यह भी है कि कंपैरिजन आसान है। जब कंपैरिजन आसान है तो वो हमेशा चाहेंगे कि एक बड़ी अच्छी इन्फॉर्म्ड जो है वो डिसीजन लें और सस्ते जो चीज़ है उसको बाय करें। तो वहाँ पर चैलेंज ये है कि अगर इफ़ यू वॉन्ट टू चूज़ द पाथ, कि आप ये पाथ चूज़ करना चाहें कि यार लोग मुझसे इसलिए ख़रीदें, और ये सिर्फ ई कॉमर्स के लिए नहीं, ये उन लोगों के लिए भी है जो ऑफलाइन भी कारोबार स्टार्ट करना चाहते हैं, चाहे वो रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में हो, क्लोथिंग में हो, अपैरल में हो, किसी भी चीज़ में हो। ये बात आप मेरी लिख कर रख लें अगर आप उसको रखना चाहें, और ये मैंने सीखी है। क्या वो ये कि अगर आप बिजनेस आज स्टार्ट कर रहे हैं तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि वाई विल अ कस्टमर बाय माय प्रोडक्ट और यूज माय सर्विस। तो बिजनेस कोई भी स्टार्ट करने से पहले आप ये सवाल पूछते हैं तो ही आपको पता लगता है कि मेरा डिफरेंशिएशन पॉइंट क्या है, मेरी यूएसपी क्या है।
तो अगर उसका जवाब आपके जहन में ये निकल के आता ना कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी सर्विस कस्टमर इसलिए इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मैं सबसे सस्ता देता हूँ, तो आप उसी दिन वो आइडिया जो है वो बंद करें, किसी और आइडिया पर जाएं, क्योंकि सस्ता हर कोई बेच सकता है। आप किसी को भी अगर एक चीज़ उसकी जो कीमत है उससे सस्ती बेचेंगे तो वो बड़े आसानी से आपसे खरीद लेगा। सो देयर इज़ नो, इसमें कोई फ़ख्र की बात नहीं है, और ये मार्केटर के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए ये डूब मरने का मकाम है कि आपकी प्रोडक्ट या आपकी ब्रांड डिफरेंशिएशन ये है कि आप सबसे सस्ता बेचते हैं। तो ई कॉमर्स में तो बहुत ज़्यादा चैलेंज था कि जिस इंडस्ट्री में लोग खरीदते ही ज़्यादातर इसलिए हैं कि वो सस्ता बेचा जाए, उसमें अपना डिफरेंशिएशन पॉइंट प्राइस से हट के कुछ रखना कि यू विल नॉट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम टेलीमार्ट बिकॉज वी आर द चीपेस्ट आउट देयर, यू विल नॉट बाय प्रोडक्ट फ्रॉम टेलीमार्ट क्योंकि सबसे सस्ता देते हैं, क्योंकि आप सबसे सस्ता हर वक्त, पूरा साल, हर दिन, हर प्रोडक्ट के लिए गारंटी नहीं कर सकते। और जब आप सबसे सस्ता कहते हैं कि मैं बेचूंगा, तो यू आर फ्लरिशिंग डिस्काउंट हंटर्स। आप उन्हीं कस्टमर्स को अपने पास अट्रैक्ट कर रहे हैं जो सिर्फ आपके पास इसलिए आ रहे हैं कि आप सबसे सस्ता दे रहे हैं। एंड द डे कोई और ब्रांड उनको सस्ता देना शुरू करेगा तो वो जाहिर सी बात है उनके पास जाएंगे। तो दिस इज समथिंग जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना, यू आस्क फॉर इट। तो आपने ये चीज़ खुद अपने पैर पर लाड़ी मारी अगर आप पहले दिन से ये अपना एंबिशन लेके चलते हैं कि मेरी प्रोडक्ट या मेरी वेबसाइट से इसलिए ऑर्डर होगा क्योंकि मैं सबसे सस्ता दूंगा। तब चैलेंज ये आता है कि आप ई कॉमर्स में रहते हुए यू आर सेलिंग होमोजेनस प्रोडक्ट। होमोजेनस प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है कि हम अपनी कोई प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट नहीं बेच रहे फिलहाल। हम तो एप्पल का फ़ोन बेचते हैं, सैमसंग की गैजेट्स बेचते हैं, हम एचपी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। वो ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको हर जगह बासानी मिल जाते हैं, उन्हें कहा जाता है होमोजेनस प्रोडक्ट्स। तो होमोजेनस प्रोडक्ट्स के अंदर आप प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते कि आप प्रोडक्ट में तो ये नहीं कह सकता टेरीमार्ट यार आप आईफोन फलाने से लेंगे तो आपको 3 कैमरे मिलेंगे, टेरीमार्ट के आईफोन में 5 कैमरे हैं। तो हम प्रोडक्ट लेवल पर डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अब आते हैं सर्विस लेवल डिफरेंशिएशन। तो वहाँ पर टेरीमार्ट ने पूरे जो अलॉन्ग द जर्नी हमारे जो 7 साल की जर्नी, उसमें हम यही सोचते रहते हैं डेली कि हम प्राइस के अलावा कस्टमर्स को कौन से ऐसे रीजंस दें कि वो हमसे खरीदें और हमारे किसी और ब्रांड के पास, किसी और जो है प्लेटफॉर्म के पास ना जाएं। तो उसमें टेरीमार्ट ने एक चीज़ ये की जो अगेन इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव था, क्योंकि हम इस चीज़ को बड़ा फर्मली बिलीव करते हैं फ्रॉम डे वन कि अलायंसेस, स्मार्ट अलायंसेस अगर आप लॉक करें तो इससे अच्छी कोई चीज़ नहीं होती, क्योंकि आप हर चीज़ खुद नहीं कर सकते। तो हमने पहली अलायंस की पाकिस्तान में, पहली चीज़ थी, एंड वी टेक प्राइड इन इट एंड आर पार्टनर ऑल्सो कि देवर वो बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड लुकिंग थे, उन्होंने तंग नज़री नहीं दिखाई। हम पाकिस्तान की पहली वेबसाइट बने जिसने अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर तकाफुल देना स्टार्ट किया, और तकाफुल से आई मीन इस्लामिक इंश्योरेंस। तो अगर आप टेरीमार्ट की वेबसाइट से आज भी, या टेरीमार्ट की किसी भी स्टोर से जो हमारे ऑफलाइन स्टोर्स हैं, फ्रेंचाइजेज हैं, उनसे आप कुछ भी खरीदेंगे ना, कोई भी प्रोडक्ट, तो उस पर आप तकाफुल ले सकते हैं, जिसका मतलब ये है कि आपके खरीदे हुए प्रोडक्ट अगर खुदा ना खास्ता खरीदने के बाद चोरी हो जाता है, छिन जाता है, टूट जाता है, जल जाता है, आपको उसके पैसे वापस मिल जाएंगे। तो एक बड़ा इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव था, उस पर बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, और आज टेरीमार्ट के 10-15% जो ऑर्डर्स हैं उसमें कस्टमर तकाफुल लेते हैं उसके साथ, एंड दे सी द वैल्यू इन इट। दूसरा पर हमने क्या किया, हमने तकाफुल के साथ अब हम हमारी वेबसाइट के ऊपर, हमारे तमाम स्टोर्स के ऊपर अब इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन भी है, और पूरे पाकिस्तान में किसी भी बैंक का आपके पास क्रेडिट कार्ड हो या किसी भी बैंक का डेबिट कार्ड हो, आप टेरीमार्ट की वेबसाइट से और हमारे स्टोर से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे ले सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा पेन पॉइंट है लोगों का कि वो जब प्रोडक्ट्स खरीद रहे होते हैं या परचेजिंग पावर के इशू या सैलरी उनकी अगले महीने आ रही, प्रोडक्ट आज लेना है, तो हम ये ऑप्शन भी उनको दे रहे हैं कि वो प्रोडक्ट आज खरीदें, उसकी पेमेंट जो है वो बाद में कस्टमर्स जो है वो कर रहे हों हमारे पार्टनर्स को। तो इस तरह के हमारे काफ़ी इनिशिएटिव्स हैं। फिर हमने एक बारगेन का फीचर लॉन्च किया, वो कहीं ना कहीं प्राइस से रिलेटेड है, लेकिन अगेन इट हेल्प्स इन रिटेनिंग आवर कस्टमर्स, इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग कस्टमर्स विद इनफ रीजंस कि वो हमारे पास आएँ और किसी और के पास ना जाए। तो बारगेन में भी टेरीमार्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा ये इंडस्ट्री फर्स्ट इनिशिएटिव था। कि ऑफलाइन में तो आपने बड़ा सुना होगा कि बारगेनिंग आप कर सकते हैं, दुकानदार के पास जाते हैं, पहला रेट और आखिरी रेट में फ़र्क होता है। हमने कहा क्यों ना ऑनलाइन में भी ये चीज़ दी जाए। और इन तमाम चीज़ों के अंदर आप एक चीज़ जहन में रखें कि हमारे पास कोई इलॉन मस्क का दिमाग नहीं था या कुछ बहुत ज़्यादा हम कुछ सुपीरियर बींग नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें हमारे कस्टमर्स ने बताई हैं। तो लिसनिंग टू योर कस्टमर्स जो कहा जाता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो तकाफुल हो, वो आइडियाज़ हमें कस्टमर्स देते हैं कि भाई दिस इज़ आर पेन पॉइंट, टेरीमार्ट इसको कब लेके आ रहा है, ये हमारा पेन पॉइंट है, इसको कब लेके आ रहा है टेरीमार्ट। तो हमने अपने कस्टमर्स की बातें सुनी और उनके ऊपर अमल करके उनको वही फीचर्स लौटाए। तो बारगेन के साथ भी हमारा डेली फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, हमारे ईमेल एड्रेसेस के ऊपर कस्टमर्स भेज रहे होते हैं कि यार फलानी चीज़ ये सस्ती दे रहा है आप हमें दे दें, फलानी चीज़ वो सस्ती दे रहा है। तो हमने कहा व्हाई नॉट डिजिटाइज दिस ऑप्शन एंड प्रेजेंट दिस एज अ फीचर ऑन आवर वेबसाइट एंड आवर ऐप। तो हमारी वेबसाइट के हर प्रोडक्ट पेज के ऊपर जो है वो बारगेन का ऑप्शन है, जहाँ पर कस्टमर बारगेनिंग हमसे कर सकते हैं, और अगर किसी और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर उनको कोई प्रोडक्ट सस्ती नज़र आती है तो वो टेरीमार्ट को बारगेन ऑप्शन को यूज़ करते हुए टेरीमार्ट उस प्राइस को बीट करके देगा। वी आर नॉट मैचिंग इट, वी आर बीटिंग दैट प्राइस फॉर यू। तो ये कुछ रीजंस हैं जो टेरीमार्ट ने, इसके अलावा और बहुत से भी रीजंस हैं जो हम आगे डिस्कस भी करेंगे, लेकिन ये मेजर रीजंस हैं। फिर हमारा ऑफलाइन प्रेजेंस है, वो भी एक रीज़न है कस्टमर के लिए कि अगर टेरीमार्ट के ऑनलाइन स्टोर में थोड़ा सा मैं घबराता हूँ या मैं प्रोडक्ट देख के पैसे देने वाला आदमी
क्यों मैं पहले पैसे दूं और फिर कोरियर का फ्लायर लूं और फिर सरप्राइज फैक्टर हो, या मुझे खुद जाकर लेना है, प्रोडक्ट को देखना है, असेस करना है, ऑप्शंस को देखना है. तो टेलीमार्ट इज ऑल्सो अगेन अल्हम्दुलिल्लाह द फर्स्ट एंड द ओनली ई कॉमर्स मार्केट प्लेस इन पाकिस्तान विद अ फोकस ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, जहां पे हम लोग अपने ऑनलाइन स्टोर के साथ साथ 18 ऑफलाइन स्टोर्स भी चला रहे हैं 13 शहरों में, और वो ग्रो करता जा रहा है इंशाल्लाह. तो ये सारे रीजन है जो हमने दिए कस्टमर्स को कि भाई आप प्राइस को छोड़ दें, आपको प्राइस के अलावा इतने सारे रीजंस हम और दे रहे हैं कि आप टेलीमार्ट से इसलिए खरीदें. दैट्स रियली गुड, स्पेशली जब कोई बंदा नया सेट हो रहा है तो ये पैसे कम है, तो यस इंश्योरेंस थिंग डेफिनेटली हेल्प्स. किस्तें बाहर बहुत अरसे से चल रही हैं, क्रेडिट कार्ड पे पहले था, नाउ यू डूइंग अ डेबिट कार्ड. एज एन एडवांटेज ये कितनी देर तक आप होल्ड कर सकते हैं? देखें ये यानी आपका कंपेटिटर भी तो जा सकता है. बिल्कुल ऐसा ही, आपने बहुत अच्छी बात बोली, और ये पढ़ाया भी जाता है यूनिवर्सिटीज वगैरह में कि कंपेरेटिव एडवांटेज जो है वो परमानेंट बहुत कम होता है. कंपेरेटिव एडवांटेज इसीलिए, इसके लिए एक टर्म होता है कि सस्टेनेबल कंपेरेटिव एडवांटेज, कि आपका कंपेरेटिव एडवांटेज तो है लेकिन हाउ ईजी इज इट टू रेप्लीकेट, कितना आसानी से छापा जा सकता है या कॉपी किया जा सकता है, या कितना मुश्किल से छापा जा सकता है या कॉपी किया जा सकता है. आज हम जिस दौर में हैं, इसमें अगेन एक और मैसेज, एक और लर्निंग है जो हमने भी सीखी किसी से, वो ये कि आप ये मत सोचें एज एन एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो यार मैं ऐसे आइडिया का वेट करूं जो पूरी दुनिया में किसी ने नहीं किया हो. ये वो अब नहीं रह गए, आप समझे 99% जो आइडियाज है ना वो अब पूरी दुनिया में हो चुके हैं या वो किए जा चुके हैं. आपके पास कोई ऐसा आइडिया नहीं आ सकता अब जो किसी ने दुनिया में ना किया, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी बाकी दुनिया से 15-20 साल पीछे है. तो आप ये ना सोचें कि यार मैं सिर्फ वही आइडिया पर काम करूंगा जो कोई और कर ही नहीं रहा पूरी दुनिया में, तो फिर आप क्या सोचेंगे? आप ये सोचेंगे यार कोई पूरी दुनिया में ऐसा एग्जीक्यूट ना कर रहा हो. तो एग्जीक्यूशन नाउ हैज बिकम द मेन कंपेटिटिव एडवांटेज फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट ब्रांड्स. और दुनिया भी ना देखें, अपनी गली मोहल्ले शहर शाहरा पे देखें, एक ही शाहरा पे 10 दूध की दुकानें हो सकती हैं, 10 मिठाई की स्वीट की दुकानें हो सकती हैं. आपका थोड़ा डिस्टिंक्ट उसमें ना थोड़ा एडवांटेज ऐसे हो कि यार मेरे जैसा चॉकलेट केक कोई नहीं बनाता, वो इंग्रेडिएंट, वो सीक्रेट रेसिपी, वो टेम्परेचर्स, वो सारे जो ना मिक्सचर्स, वो रेसिपी आपकी वो एडवांटेज होगी. आपने सुना होगा कि जी कोक की रेसिपी सिर्फ 3 बंदों को पता होती है, ठीक है, वो हमेशा सिरप ही बेचते हैं, थिंग्स लाइक दैट. तो ठीक है, एक तो ये इतनी इनोवेशन लेके आए हैं, आगे बढ़ते जाएंगे. नाउ लेट्स गो बैक इनटू हिस्ट्री. 21 साल के 22 साल के वो आइडिया आ गया, शुरू कर दिया, इन्होंने हर चीज़ बेचने का तैयार किया, लेकिन आखिरकार समझ गए कि नहीं यार हर चीज़ नहीं बेच सकते. एम्बिशन बहुत बड़ी चीज़ होती है, लेकिन करते करते बहुत सारे सबक सीखे गए. यानी नहीं, इसमें मुझे ना एक्विजिशन ऑफ गुड्स भी है, ईजी हो रही हैं, ये ज़्यादा बिक रहा है, एक्सेट्रा. वाई इलेक्ट्रॉनिक्स? क्योंकि कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्जिन बहुत कम होता है, तो अपने पाँव पे कुल्हारी क्यों मारे? वाई नॉट गोइंग टू फूड, वाई नॉट गोइंग टू फर्नीचर, उसमें ठीक ठाक मार्जिन होता है, वाई जस्ट इलेक्ट्रॉनिक्स? देखिए इसके पीछे ऑब्वियसली बहुत सारे रीजंस हैं. पहला रीज़न तो ये है कि जो मेरे फादर हैं अब्दुल रफीसा, ही इज़ द पायनियर ऑफ मोबाइल इंडस्ट्री इन पाकिस्तान. तो वो 1992 मेरी पैदाइश से एक साल पहले उन्होंने पाकिस्तान में प्राइवेट मोबाइल फ़ोन शॉप को जो है कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया. तो बाकी जो बड़ी उम्र के लोग देख रहे हैं वो इससे रिलेट करेंगे, उससे पहले क्या होता था, उससे पहले जो टेलकोज हैं जिनको मोबिलिंग कहते हैं, जोंग कहते हैं, वारिद कहते हैं, उस ज़माने में मोबिलिंग था, उस ज़माने में पाकटेल था, इंस्टाफोन था, तो उस ज़माने में वो अपने सर्विस सेंटर्स पे ही फ़ोन बिका करता था, क्योंकि फ़ोन इतनी बड़ी लग्जरी थी कि लोग नहीं लेते थे. मेरे फादर ने उस वक्त इनकी फ्रेंचाइजेज भी ली थी, इनके साथ काम भी किया, और फिर एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया जो आज बड़ा कॉमन है कि एक प्राइवेट मोबाइल की दुकान हो जहाँ पे कनेक्शन भी मिलेंगे, स्क्रैच कार्ड उस वक्त होते थे, बैटरी होती थी अलग से, चार्जर भी मिलेगा और फ़ोन भी मिलेगा. तो वो कॉन्सेप्ट इन्होंने 1992 में इंट्रोड्यूस कराया, जब ये सदर हफीज सेंटर ये चीज़ें नहीं थी. तो उनका एक बहुत बड़ी हिस्ट्री है. फिर देन ही वेंट ऑन टू बिकम द फाउंडर ऑफ वन ऑफ द लार्जेस्ट मोबाइल फोन डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज इन पाकिस्तान. फिर वहाँ पे उनका बैकग्राउंड, उनकी एक पीआर, उनके एक नेटवर्क. तो हम जब पैदा हुए तो हमने पैदा होते साथ ही इलेक्ट्रॉनिक्स, फोन्स और इन चीज़ों को देखा, और हमारे जो फादर की जो पीआर है, जो हमारे भी एक फैमिली है, वो उस चीज़ के लिए जानी जाती है. तो एक वो एक नेचुरल रीज़न था कि यार बिजनेस अगर कर रहे हैं विथ नो प्रायर एज सच एक्सपीरियंस ऑफ अ बिजनेस, तो यार इस फील्ड में जाना चाहिए जहाँ पे हमारा एक पीआर है, एक नेटवर्क है, एक सप्लाई चेन पे कमांड है, कंट्रोल है. तो इसलिए एक तो फोन्स पे गए, इलेक्ट्रॉनिक्स पे गए, लेकिन अलॉन्ग द वे आपको पता है अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत होती है. तो काफ़ी चीज़ें आपको उस वक्त रिवील नहीं होती, बाद में होती हैं. तो अब हमें जो रेवोल्यूशन अल्लाह की तरफ से होती हैं, चीज़ें दिखती हैं, वो ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स, आपने बिल्कुल सही कहा, मार्जिन कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक्स की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है वो आप जानते हैं. तो टेलीमार्ट की भी वेबसाइट की जो हमारी एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, दैट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट, इफ़ नॉट द हाईएस्ट, क्योंकि हमें बाकियों के नंबर्स नहीं पता, लेकिन हम बड़ा यकीन से कह सकते हैं कि टेलीमार्ट की जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है ऑनलाइन की, वो पाकिस्तान में सबसे हाईएस्ट है. वो 18,000 रुपये हमारा लास्ट फाइनेंशियल ईयर का एवरेज बास ऑर्डर वैल्यू है.
तो उसकी वजह यही है कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपको मैं बिलियंस के टर्नओवर बता रहा हूँ, उसकी वजह यही है कि अगर मैं फैशन बेच रहा होता तो बिलियन तक पहुंचने में मुझे 10 साल लग जाते। तो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है, जो GMV कहते हैं ई कॉमर्स के जमाने में, जो सेल वैल्यू कहते हैं, वो बहुत ज़्यादा है। अब अपॉर्चुनिटी क्या है कि हर चीज़ के पीछे आपने अपॉर्चुनिटी देखनी है, और अपॉर्चुनिटी अपने अंदाजे से नहीं, हार्ड कोर फैक्ट्स नंबर्स। पाकिस्तान में सालाना $15 बिलियन के इलेक्ट्रॉनिक्स पे, $15 बिलियन वर्थ ऑफ कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स आर सोल्ड इन पाकिस्तान। आउट ऑफ दैट रफली $4-5 बिलियन का सिर्फ फोन बिकता है। तो कितनी बड़ी मार्केट है, ये मार्केट पूरे पाकिस्तान में फ्रेगमेंटेड है, ये मार्केट अनऑर्गेनाइज है। इसमें मॉम एंड पॉप स्टोर्स को कहा जाता है कि रजाक मोबाइल शॉप, फलाना कम्युनिकेशन, ये इस तरह बटी हुई है। आप मुझे एक नाम बता दें पाकिस्तान में जो नेशन वाइड चेन ऑफ स्टोर्स हो जो मोबाइल्स और गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को फोकस कर रही हो, नेशन वाइड कोई भी नहीं है। ओमनी चैनल, वो भी नहीं है कोई। तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी दैट टेलीमार्ट इज टैपिंग राइट नाउ। और ओमनी चैनल होने की वजह से देखें प्रॉफिटेबिलिटी, आप मुझे कोई एक मोबाइल की दुकान बता दें जो लॉस कर रही हो, कोई नहीं है कोई। बट ओमनी से क्या मतलब आपका? बिल्कुल, तो ये अच्छा हुआ आपने मेरी सलाह की कि हम काफ़ी दफ़ा कुछ वर्ड्स को ऐसे यूज़ करते हैं कि सब जानते हैं, जो मैं भी पहले नहीं जानता था। तो ओमनी का मतलब ये है कि टेलीमार्ट सिर्फ किसी एक चैनल के ऊपर मौजूद नहीं है, मल्टीपल चैनल्स हैं। मल्टी चैनल भी होता है, ओमनी चैनल भी होता है। मल्टी चैनल वो होता है कि आपके चैनल्स तो दो हैं लेकिन वो डिसइंटीग्रेटेड हैं, अलग अलग हैं। ऑनलाइन स्टोर आपका है और ऑफलाइन है, वो दोनों अलग अलग काम करते हैं और इंटीग्रेटेड नहीं है। ओमनी चैनल तब बनता है मल्टी चैनल जब आपके दोनों बिजनेस मॉडल आपस में इंटीग्रेटेड हों, वो आपस में कनेक्टेड हों और उनका आपस में कोई रोल हो। तो टेलीमार्ट जो है वो सिर्फ ऑनलाइन मौजूद नहीं है, हमारी वेबसाइट भी है, हमारी ऐप भी है जो हर ई कॉमर्स कन्वेंशनल स्टोर की होती है। उसके साथ साथ टेलीमार्ट के अल्हम्दुलिल्लाह 18 स्टोर्स भी हैं 13 शहरों में, जिसमें कराची भी है, लाहौर भी है, पिंडी, इस्लामाबाद, एबटाबाद, क्वेटा, खानेवाल, गुजरात, एंड द लिस्ट गोज ऑन अल्हम्दुलिल्लाह। उसको हम एक्सपैंड करते जा रहे हैं, तो वहाँ पर भी हमारी जो है वो फिजिकल प्रेजेंस भी है और वो दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड भी हैं। तो इसलिए टेलीमार्ट जो है वो ओमनी चैनल का वर्ड जो है वो यूज़ कर रहा होता है। तो ये अपॉर्चुनिटी है कि ऑफलाइन में कोई एक दुकानदार आपने कभी सुना नहीं होगा कि वो लॉस कर रहा है। और ब्यूटी क्या है कि देखें अल्लाह की फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना फ्रेंचाइज प्रोग्राम 3 साल पहले कॉन्सेप्चुलाइज किया था और 2 साल पहले जो उसको लॉन्च किया था ऑफिशियली। आज पूरी और यही हमारी जो कॉन्सेप्ट था, जो फिलॉसफी थी, वो यही थी कि इसके पीछे नंबर्स क्या थे। पाकिस्तान में लोगों को जानकर ताज्जुब होगा क्योंकि लोगों को ऐसी बात है हार्ड कोर फैट्स हर किसी के पास एक्सेस नहीं होता, पता नहीं होता। पाकिस्तान में सालाना जो रिटेल होती है, पूरी जितनी रिटेल है उसमें 99% जो रिटेल है वो ऑफलाइन होती है, एंड लेस देन 1% इज ई कॉमर्स। तो आज दुनिया के पाकिस्तान के लोगों को लगता है कि यार ऑनलाइन तो छा गया, तबाह कर दिया, सब कुछ कर दिया। मैं इनको यहाँ पे रोकूंगा बिकॉज देयर इज अ लिटिल बैकग्राउंड जो आपको समझाना है। कहना ये चाह रहे हैं कि अगर ये ऑनलाइन सिर्फ बेचते रहते तो उसकी एक हद थी, लोग मानूस नहीं है हाउ टू बाय ऑनलाइन, वो एतबार नहीं है एक्सेट्रा। तो अगर इनको अपना बिजनेस बढ़ाना था तो ही हैड टू ओपन ऑफलाइन, क्योंकि जहाँ पे ग्राहक है 99% ग्राहक वहाँ पे है और हम यहाँ ढूंढ रहे हैं। लेकिन ऑनलाइन के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, एक चीज़ आप आज ऑर्डर करो कल पहुंच जाती है, वो फिर तकफ़ुल वाली बात आ गई कि जी इंश्योरेंस वगैरह। तो उनका ये सारे ऑनलाइन वाले बेनिफिट्स ऑफलाइन कैसे मैं दे सकता हूँ, ऐसे ही है ना? बहुत बहुत ज़बरदस्त, आपने बड़ी अच्छी समराइज। अब आपने बात की कि आपने स्टोर्स खोले हैं, यू सेड दोज वर फ्रेंचाइजेस, राइट? क्योंकि हमने सीखना है, राइट? आपकी तारीफ हो रही है, करते भी जाएंगे और उसकी ज़रूरत भी नहीं है, राइट? टू अचीव सो मच ज़रूरत नहीं है, पर वी विल स्टिल, क्योंकि फ़ायदा होता है उसमें भी, इनका फ़ायदा है। अब आपने फैसला कर लिया कि जी हम ऑनलाइन हैं, हम ऑफलाइन जाएंगे। डिड यू ओपन योर फर्स्ट स्टोर, खुद ओपन किया? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल। कितने किए? अच्छा, बिफोर आपने कहा आपने बहुत अच्छी बात बोली और मैंने सोचा हुआ था कि ये बात हमने आज से पहले किसी भी पब्लिक फोरम पे भी या प्राइवेट फोरम पे भी नहीं बताई, क्योंकि इंटरव्यू नहीं है। बिल्कुल, मैं आपको नचो रहा हूँ, आई वॉन्ट टू लर्न ऑल दी थिंग्स। यार बंदे को ऑफलाइन जाना है, ऑनलाइन जाना है, तो वो कैसे करता है, वो डर क्या होता है, व्हाट आर द कॉम्प्लेक्सिटीज जो हमें फेस करनी पड़ती हैं? तो देखिए ऑफलाइन पर जाने का एक तो रीज़न ये था कि 99% रिटेल वहाँ हो रही है। दूसरा रीज़न क्या था मज़े की बात कि अब आप कंपैरिजन इस तरह करें, क्योंकि कोई भी फैसला लेने से पहले आप हमेशा उसके प्रोज एंड कॉन्स को वे ऑफ करते हैं कि यार क्या चीज़ फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है। टेलीमार्ट ने देखा एक तरफ ऑनलाइन है जो 1% से भी कम है पूरे पाकिस्तान में, और 1% से कम तब है जब कोरोना भी आ गया, जब बाहर के इन्वेस्टर्स ने एक्विजिशंस भी करनी पाकिस्तान में, इतनी खतरनाक स्पेंडिंग भी है, उसके बाद 1% है। रीच नो डाउट उसकी है, ऑनलाइन के बेनिफिट है, लेकिन नुकसान क्या है ऑनलाइन का? ऑनलाइन में मार्केटिंग बजट्स हद से ज़्यादा आपने लगाने पड़ते हैं, ऑनलाइन पे कस्टमर लॉयल्टी ना होने के बराबर है, प्राइस लॉयल्टी बहुत है, ऑनलाइन पे मार्जिन्स बहुत कम है, प्राइस सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, कस्टमर रिटेंशन बहुत ट्रिकी है, कस्टमर को रिटेन करना, और ऑनलाइन में कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है।
हर दूसरा बंदा ऑनलाइन स्टोर बना के बैठा हुआ है और वो मार्केटिंग पे ऐड कर रहा है और वो कस्टमर्स को कर रहे हैं। तो ऑनलाइन पे ये कुछ डाउनसाइड्स थे जो हमें दिखे। ऑनलाइन पे प्रॉफिटेबिलिटी बहुत कम है, आप सुनते होंगे हर दूसरा ई कॉमर्स ब्रांड जो है पैसे नुकसान कर रहा है। तो ये ऑनलाइन का एक तरफ हमारे पास एम्बिट था कि यहाँ पर हम प्रेजेंट हैं और यहाँ पर ये चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज भी हैं कि पूरे पाकिस्तान को कवर कर सकते हैं। प्रोडक्ट लगाने की कोई कैद नहीं है, कोई किराया नहीं है, कोई प्रोडक्ट फिजिकली होल्ड नहीं करना, जीरो इन्वेंट्री मॉडल पर काम करना है। ऑफलाइन पे गए, ऑफलाइन में 99% कस्टमर वहाँ पर है। ऑफलाइन पे ट्रस्ट डेफिसिट नहीं है क्योंकि कस्टमर चीज़ देखता है फिर ऑर्डर करता है। ऑफलाइन में कस्टमर लॉयल्टी बहुत है। तो आप हर जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं अगर वो ऑफलाइन मोबाइल बाय करते हैं तो उनका एक फैमिली का मोबाइल वाला है, जिस तरह फैमिली ज्वेलर है, फैमिली डॉक्टर है, तो एक फैमिली का मोबाइल वाला होता है। तो कस्टमर लॉयल्टी भी है वहाँ पे, कस्टमर से रिलेशनशिप भी डेवलप होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो है प्रॉफिटेबिलिटी। तो देर इज़ नॉट अ सिंगल रिटेल शॉप जो आप देखेंगे नुकसान कर रही होगी। तो वहाँ पर प्रॉफिटेबिलिटी भी है, कस्टमर का चंक भी है। और एक और इससे भी इंपॉर्टेंट चीज़ कि वहाँ पे अपॉर्चुनिटी इस सेंस में भी है कि कोई एग्रीगेटर नहीं है उस फील्ड के अंदर, मोबाइल फोन में, गैजेट्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में कोई ऑर्गेनाइज रिटेलर नहीं है, कोई चेन ऑफ स्टोर्स भी नहीं है। तो उस अपॉर्चुनिटी को भी टैप करना था ऑफलाइन मॉडल के थ्रू। मैं एग्रीगेटर का पूछने वाला था, इसको समझा दें। अच्छा, एग्रीगेटर का मतलब यह है कि ऑल अंडर वन रूफ, जिसको आप कहते हैं कि अगर मैं सिर्फ सैमसंग के फ़ोन बेच रहा हूँ तो मैं एग्रीगेटर नहीं हूँ, लेकिन जब मैं सिर्फ सैमसंग के फ़ोन नहीं, उसके साथ बाकी ब्रांड्स भी, गैजेट्स भी, बाकी प्रोडक्ट्स भी, तो मैं इन सारी चीज़ों को अंडर वन रूफ लेकर आ रहा हूँ और मैं सारी चीज़ें बेच रहा हूँ, तो मैं एक तरीके से उन सारी चीज़ों को एग्रीगेट करके उनको आगे बेच रहा हूँ। इसलिए वो एक टर्म यूज़ होता है एग्रीगेटर का, एलिगेटर नहीं है। इनके वेयर हाउस हैं डिफरेंट सिटीज़ में, ठीक है? किधर है आपके वेयर हाउस? हमारा देखिए ना, इस मॉडल की आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड। यस, टेरी मार्ट का एक वेयर हाउस है सिर्फ। किस सिटी में? कराची में, इसी ऑफिस के। और यहाँ से सारा कुछ, अगर पेशावर भी बंदा मांगेगा यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से जाएगा। उसके पीछे लॉजिक क्या है? उसके पीछे लॉजिक ये एक तो ई कॉमर्स के एसेंस के खिलाफ है। अगर मैं कहूँ कि मैं ई कॉमर्स के ब्रांड बना रहा हूँ और मेरे 50,000 वेयर हाउसेज हैं और मैं प्रोडक्ट अपने पास रखूंगा और फिर बेचूंगा, क्योंकि ई कॉमर्स का कोर क्या है? जीरो इन्वेंट्री मॉडल। ऑर्डर लगा, सेलर से आया, कस्टमर को चला गया, तो आप इन्वेंट्री क्यों होल्ड करेंगे? सो अगर ये समझे, राइट, दिस इज अ रियली क्रूशियल लेसन। मुझे सैमसंग का 65 इंच का टीवी बेचना है, लेकिन आपको पता है कि सैमसंग के अलावा अल्बा भी है, दूसरे भी हैं, ठीक है, एलजी भी है। तो आपकी वेबसाइट है लेकिन आपके वेयर हाउस में एलजी का टीवी नहीं पड़ा हुआ। जब आपने ऑर्डर लिया, एलजी जो पाकिस्तान में बेच रही है वो डायरेक्टली आपको देती है और आप डिलीवरी करते हैं। बिल्कुल, इसीलिए टेरीमार्ट अपने आप को कहता है कि हम कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस हैं। कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस का मतलब ये है कि आप अगर किसी और वेबसाइट पर जाते हैं तो आपको एक ही प्रोडक्ट के लिए, जब आपने कोई प्रोडक्ट सर्च किया, आपको 50 सेलर नज़र आ रहे हैं, 50 लिस्टिंग्स नज़र आ रही हैं, 50 प्राइसेस नज़र आ रही हैं, 50 सेलर रेटिंग्स नज़र आ रही हैं, और अब आप जो है वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। टेरीमार्ट क्या करता है कि टेरीमार्ट की वेबसाइट पर हर प्रोडक्ट की सिर्फ एक लिस्टिंग है। फॉर कस्टमर्स ईज एंड कन्वीनियंस, इट डज नॉट मीन, इसका मतलब ये नहीं है कि टेरीमार्ट के पास उस प्रोडक्ट का सिर्फ एक सेलर है। बैकएंड पे हमारे पास मल्टीपल सेलर्स हैं, लेकिन जिस सेलर की सबसे अच्छी, सबसे कंपेटिटिव प्राइस उस दिन होगी, उसकी प्राइस वहाँ नजर आएगी। और टेरीमार्ट जब वो एक प्रोडक्ट सिर्फ लिस्ट करता है तो टेरीमार्ट इज बेसिकली टेकिंग द अकाउंटेबिलिटी ऑन इटसेल्फ। हम कह रहे हैं भाई, हम पे भरोसा करो कि अगर तुमने फोन ऑर्डर किया और किसी सेलर का नाम था तो हम बाद में ये ब्लेम नहीं करेंगे कि सर आपकी गलती है, आपने उसकी रेटिंग क्यों नहीं देखी, वो सेलर खराब था, वो सेलर धोखेबाज था। तो हम कहते हैं भाई, आप हमसे ले रहे हैं, आप हम पे भरोसा करते हैं, एंड वील मेक श्योर कि हम वी कीप योर भरोसा। तो हम उसको एक प्रोडक्ट दिखाते हैं, एक प्राइस दिखाते हैं। जब ऑर्डर लगता है तो वो प्रोडक्ट पहले टेरीमार्ट के वेयर हाउस क्यों आता है, वो हमारे कंट्रोल्ड मार्केट प्लेस का दूसरा एलिमेंट है कि वी हैव अ सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग मॉडल। सेंट्रलाइज्ड डिस्पैचिंग का मतलब यह है कि हर पार्सल टेरीमार्ट का टेरीमार्ट के वेयर हाउस से डिलीवर होता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में आप जानते हैं कि जो सेलर की क्वालिटी है वो क्या है, जो अमेजोन से पहले डी लिस्ट हुए थे उसकी वजह यही थी। तो पाकिस्तान के सेलर्स पे या किसी भी आप उस पर इतना ज़्यादा वो चीज़ नहीं कर सकते हैं कि आप उनको ड्रॉप शिपिंग के एक्सेस हर इंसान को जो है वो फराहम कर दें। तो उसके लिए टेलीमार्ट ने क्या किया, हम हर ऑर्डर पहले हमारे वेयर हाउस आते हैं, हमारी इंटरनल टीम जो है उसको मैच करती ऑर्डर के साथ कि सही चीज़ आई है, गलत चीज़ तो नहीं है। अच्छा हमजा, आपकी लीड टाइम नहीं बढ़ जाती ऐसे कि यार उठाया भी अपना सप्लायर ने भी आपको भेजना है, यहाँ पे आपने चेक करके पार्सल करके पेशावर भेजना भी है, वो 24 घंटे का जो है सिलसिला? बिल्कुल बिल्कुल, ये एक डिसीजन था मुश्किल जो हमें लेना था कि हमारे पास एक चॉइस ये थी कि हम सप्लायर से अपने पास प्रोडक्ट मंगवाएं, उसको चेक करें, उसकी प्रॉपर पैकेजिंग करें, फिर डिस्पैच करें, बजाय इसके कि वो सप्लायर डायरेक्टली खुद डिस्पैच करें हमारी पैकेजिंग के अंदर। तो उसकी डाउनसाइड ये थी कि अगर हम उनको डिस्पैच करने का कहते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी, जो फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, ज़्यादातर वो यही होता है कि सेलर ने उसके अंदर डमी डाल दिया या कुछ और डाल दिया या गलत चीज़ डाल दी। तो उससे क्या होता है, एक तो ये डैमेज था एक तरफ कि अगर हम उनको अलाउ करते हैं तो लीड टाइम या जल्दी कस्टमर को पहुंच जाएगा, लेकिन गलत प्रोडक्ट पहुंच सकती है, डैमेज पहुंच सकती है, धोखा हो सकता है, रिटर्न्स का रेशो बढ़ जाएगा, उसको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। तो
हमने कहा एक तरफ ये है, दूसरी तरफ ये कि हमारे कस्टमर्स को शायद एक दिन डिले हो जाए डिलीवरी जो है, जिसमें हमें ये श्योरिटी होगी कि जब हमने चेक किया, हमने उसकी रिकॉर्डिंग की, हमने उसको मैच किया ऑर्डर के साथ और हमने सही से पैकेजिंग की ताकि डैमेज भी ना हो, तो उसमें हमें जो सुकून था, जो ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें दिखी वो हमें इस ऑप्शन के अंदर दिखी। इसीलिए हम हर ऑर्डर को सेंट्रलाइज्ड अपने वेयर हाउस से कस्टमर तक डिस्पैच करवाते ताकि उसको सही चीज़ मिले और वो भरोसा जो टेलीमार्ट पे वो कर रहे हैं वो कायम रहे। ठीक, एंड इन ऑर्डर टू गेट दिस डिलीवरीज अपनी नेटवर्क खड़ी करनी पड़ी या डिड यू हायर लाइक TCS या somebody? नहीं, देखें इसमें हमारा जब एक कोर कॉम्पिटेंसी, हमारी जो मेन फोर्टे है वो ये है ही नहीं कि हम डिलीवरी नेटवर्क है, तो हमें जो लोग डिलीवरी सबसे बेस्ट करते हैं, जो कोरियर कंपनी है जिनका रोजी रोटी यही है, हम उनके ऊपर रिलाई करते हैं और उनको अपने पार्सल्स दे रहे होते हैं फॉर डिलीवरी अक्रॉस पाकिस्तान। अब इनके जहन में होगा कि यार ये इतना बड़ा बिजनेस आपने शुरू किया, क्या पहले दिन से इतना बड़ा था या आपने छोटा शुरू किया, यानी हाउ मच फंडिंग डिड यू हैव टू पुट इनटू इट, वो फंडिंग कहाँ से आई और जो पहली वेबसाइट आपने बनाई क्या पहले दिन से बन गई और ग्राहक आ गया या वो मुश्किलात क्या थी? अच्छा, पहली वेबसाइट जब हमने बनाई तो वो जाहिर सी बात है मेरा या मेरे भाई का या किसी का भी हमारा बैकग्राउंड कोडिंग के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर, टेक साइट पर नहीं था, तो हमें लोगों पर अगेन डिपेंड करना पड़ा, आउटसोर्स करना पड़ा। वेबसाइट बनाई तो हम भी सीख रहे थे, तो बहुत बार गिरे स्टार्ट में क्योंकि उस वक्त पाकिस्तान में भी इतना ज़्यादा ई कॉमर्स की रिसोर्सेज नहीं थी, तो पहली वेबसाइट पूरी की पूरी हमने ट्रैश की, उस पर इतने महीने लगाए सब किया, लेकिन वो इतनी बेकार वेबसाइट थी कि हमें पूरी वेबसाइट ट्रैश करनी पड़ी, पर हमने नए सिरे से बनाई तो वहाँ पे भी मसले आए। दूसरी चीज़ ये कि ऑब्वियसली वी स्टार्टेड स्मॉल, हमारे पास 8 से 10 लोगों की टीम थी, वो सारे के सारे किसी का भी ई कॉमर्स में एक्सपीरियंस नहीं था, 2013 में कितने लोग ई कॉमर्स के थे, तो फिर वहाँ पे भी हमारा एक चैलेंज था। और जो पहले आप समझें, जो सबसे पहले जो आपकी फंडिंग चाहिए होती है ई कॉमर्स के अंदर, वो ये दो ही मेन आपके कंपोनेंट्स होते हैं, एक आपने जो है लोग रखने हैं तो वो लोगों की कॉस्ट है, दूसरा आपने वेबसाइट बनानी है तो वो वेबसाइट की कॉस्ट है। तो ये दो मेजर आपने, ऑफिस साइट से बाद आप किराए पे भी ले सकते हैं, खरीद भी सकते हैं, तो ये तीन मेजर कंपोनेंट्स। आपने वेबसाइट स्टार्ट करी, आपने उसके लिए कुछ लोग रखे, चाहे वो वेयर हाउस पैकिंग के लिए हों या वो कॉल सेंटर के लिए एक दो लड़के रख लिए वो कॉल्स ले रहे हों, तो यू कैन स्टार्ट स्मॉल इन एनी ई कॉमर्स बिजनेस। लेकिन ई कॉमर्स का चैलेंज क्या है, वेबसाइट बनाना बहुत आसान है, 15,000 में ही बनती है, 20,000 में ही बनती है, लाखों में ही बनती है, लेकिन उस वेबसाइट पर ट्रैफिक कैसे लाएंगे? वेबसाइट पर ट्रैफिक आएगा तो ऑर्डर आएंगे, ट्रैफिक के लिए ऑब्वियसली फिर वो एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन है कि आपने मार्केटिंग के लिए बजट सेट करना है। और उससे भी अच्छी एक ब्यूटी ये है पाकिस्तान में स्पेशली सोशल मीडिया की है कि आप देखते होंगे कि इतने सारे लोग ऐसे हैं जो सेल सबसे ज़्यादा करते हैं सोशल मीडिया से, क्योंकि सोशल मीडिया पे सेल करना आसान है, वहाँ पे इंगेजमेंट ट्रैक्शन लाना आसान है, बजाय इसके कि आप वेबसाइट पे कस्टमर को लेके आए। तो फेसबुक पे आपने मिसाल के तौर पे छोटा सा पेज बनाया अपना आइडिया को टेस्ट करने के लिए, उस पेज के ऊपर आपने पोस्टिंग स्टार्ट की, अब फेसबुक पे इतनी रेलेवेंट कम्युनिटीज़ बनी हैं, ग्रुप्स बने हुए, आपने वहाँ पे पोस्ट करना शुरू किया। इसकी एक सबसे अच्छी मिसाल थोड़ा सा वो है अलग, लेकिन रेस्टोरेंट्स पाकिस्तान में या कराची में स्पेशली सबसे ज़्यादा उनका एक ग्रुप है, कम्युनिटी है लाखों कस्टमर्स की, वहाँ पे फेसबुक के सारे फूडी लोग मौजूद हैं, तो कोई भी नया रेस्टोरेंट खुलता है वो उस ग्रुप पे एक पोस्ट अपनी लगाता है तो वहाँ पे लाइनें लग जाती हैं, भीड़ लग जाती है। सो इट्स ऑलवेज ईजियर फॉर यू टू सेल इनिशियली थ्रू सोशल मीडिया एंड देन कन्वर्ट इट इनटू योर ओन वेबसाइट, तो आप यू कैन स्टार्ट स्मॉल ऑल्सो इन ई कॉमर्स। आई मीन फूडी तो समझ जाते हैं, 50 रुपये का फूड हो सकता है, चाय का कप हो सकता है, 200-300 का होगा, बट इलेक्ट्रॉनिक्स या बड़ा भारी आइटम इज़ अ बिट हार्ड। ठीक है, सो व्हाट वाज योर टैक्टिक, आपका टैक्टिक क्या था जब आपने यानी पेड मार्केटिंग की? बिल्कुल, स्टार्ट में आपने कस्टमर्स को अपने पास लेके आना है, तो हमने पेड मार्केटिंग की। उसके साथ एक और चीज़ जो हमने की कि हमें पहले दिन से पता था कि आज से 7 साल पहले तो खैर ज़्यादातर टेक सेवी लोग जो थे वो यंग जनरेशन थी, आज तक तो लोग थोड़ा एज वो भी बढ़ रही है, तो हमने अपनी जो प्री लॉन्च कैंपेन थी मोस्टली इट वाज ऑनलाइन, लेकिन हमने कराची की सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर अपने BTL एक्टिवेशंस भी की। और वहाँ पे BTL का मतलब ये है कि हमने वहाँ जाके अपने कियोस्क लगाए, लोगों को ब्रोशर्स बांटे, डिस्काउंट वाउचर्स दिए कि आप यूनिवर्सिटी के जो बच्चे हैं, जो कॉलेजेस के बच्चे हैं, आप प्लीज़, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंटल ज़्यादा होते हैं, वो नई चीज़ों को ट्राई करने वाले होते हैं, तो हमने उनको दिया कि भाई आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं, उनको कन्वीनियंस भी चाहिए, वो उनको पसंद नहीं है कन्वेंशनल तरीके चीज़ों को करने के, तो हमने वहाँ पर भी अच्छी कैंपेन की थी जहाँ पर हमने मॉल्स के अंदर भी कराची के और यूनिवर्सिटीज़ के अंदर भी वहाँ जाके छोटे छोटे कियोस्क लगाए, उनको वाउचर्स बांटे, उनको ब्रोशर्स बांटे, उनको डिस्काउंट कूपन्स दिए, ताकि एक अवेयरनेस और एक अर्ली अडॉप्टेशन हमें वहां से मिल रही हो। और उसके साथ साथ मेजरली हमने फेसबुक भी किया, इंस्टाग्राम पे ज्यादा रिलाई करते हैं फेसबुक और इंस्टाग्राम पे, ताकि हम कस्टमर्स उनको शहरों में उनके एज ग्रुप, उनके इंटरेस्ट्स को, उनकी बाकी चीजों को टारगेट करते हुए रेलिवेंट कस्टमर को अपने वेबसाइट पर लेकर आए, ताकि वो कन्वर्ट भी करें और खरीदे भी। माशाल्लाह, आपने कभी किसी किस्म की गोरिल्ला मार्केटिंग की है? इंसेंटिवाइज्ड मार्केटिंग, गोरिल्ला मार्केटिंग? नहीं, एज सच अगर आप कहें कि जो उसका एक्चुअल में मतलब होता है गोरिल्ला मार्केटिंग का, तो उस तरह की कोई मार्केटिंग ऐसी हमने नहीं की। हाँ, एक चीज़ हम बहुत करते हैं कि वी ट्राई एंड क्रिएट एज, हम बहुत ज़्यादा वायरल कंटेंट जो उसके ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं, और वो किस तरह से वायरल होता है, जो भी चीज़ हमारे
इर्द गिर्द चल रही होती है, कोई इवेंट है, कोई मजाहिया चीज़ है, ह्यूमर है, उसके ऊपर हम बहुत ज़्यादा कैपिटलाइज करते हैं। तो हम मेक श्योर करते हैं कि जो ट्रेंड पाकिस्तान में चल रहा है, चाहे वो ह्यूमर से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी स्पेसिफिक इवेंट से रिलेटेड हो, तो उस पर जब भी हमने कैप्चर किया, उस पर कैपिटलाइज किया है, उसके बारे से कोई चीज़ लगाई है सोशल मीडिया पर, तो वो हमें बड़े अच्छे जो है उस पर जो है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ भी नज़र आती है, उसमें बहुत अच्छी रीच भी नज़र आती है, उससे हमें अक्सर औकात बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी होता है। कभी आपने किसी सेलिब्रिटी को हायर किया टू एक्चुअली यानी आपके इश्तहारों में आने के लिए? देखिए, ये अगेन एक कॉस्टली प्रोपोजिशन है। तो हम जब एक स्टार्टअप कल्चर जाना ही इसलिए जाता है कि वो अपने महदूद वसाइल के साथ मैक्सिमम आउटपुट लें, तो हम इसलिए डिजिटल पर रहे, हम कन्वेंशनल मोड्स पर नहीं गए, टीवी पर नहीं गए, रेडियो पर नहीं गए, महंगा है। सेलिब्रिटीज़ के साथ भी हमने ऑन एंड ऑफ थोड़ा बहुत किया, लेकिन उतना किया जो हमारे बजट्स के अंदर हो, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह हैज़ बिन काइंड कि अ लॉट ऑफ देम एक्चुअली वर कस्टमर्स ऑफ टेलीमार्ट पहले से, और हमें ऑर्गेनिकली भी बहुत सारे शाउट आउट सेलिब्रिटीज से या स्पोर्ट्स स्टार्स से इस मद में भी मिले कि हमारी सर्विस या हमारे उस चीज़ से वो इतना मुतमइन थे। लेकिन अगेन उसकी एक अलग इंपॉर्टेंस है, लेकिन इट्स एन एक्सपेंसिव वे ऑफ डूइंग थिंग्स, ये महंगी चीज़ है जो एक छोटा स्टार्टअप या छोटा बिजनेस जो आज स्टार्ट कर रहा है वो नहीं कर पाएगा। माशाल्लाह, मैं इसलिए कहने वाला था कि इफ यू डिड हायर अ सेलिब्रिटी समथिंग इसके बरक्स ये हो सकती है, एंड यस यू विल हैव टू हायर, आपको चंद बंदे हायर करने पड़ेंगे, एक हैशटैग बंदा ले, फिर आपकी जो प्रोडक्ट की ओपनिंग हो ना, अगर कोई बाजी ले, कोई बंदा ले, वो उसकी ओपनिंग करे, अपने ही पेज पे वो पब्लिश करे, सो उसका जो महदूद जो उनकी जो सोशल फॉलोइंग है वो देखे, एंड देन यू इंसेंटिवाइज देम, अच्छा जी उनके लिए एक गिफ्ट है, एंड दैट्स गुड, एंड दैट गिफ्ट इज़ ऑन अ मंथली बेसिस चेंज होता रहता है, जी आपने ये प्रोडक्ट लिया, इफ़ यू इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे तो इस महीने आपको ये मिल जाएगा, जिस तरह मैकडॉनल्ड्स वो नहीं करता, वो क्या कहते हैं हैप्पी मील होती है, तो हर बच्चे का होता है कि इस महीने जी वो मॉन्स्टर्स इंक का आ गया जी, इसमें वो जी कार्स का खिलौना आ गया, सोफा। बिल्कुल, हम इस तरह की चीज़ें करते रहते हैं, और अभी रिसेंटली भी आप जब इंटरव्यू कर रहे हैं तो हमारे हर ऑर्डर के साथ हम एक छोटा परफ्यूम का टेस्टर जो है वो अपने हर कस्टमर को दे रहे हैं, तो हमारे जितने भी हज़ारों पार्सल डिस्पैच हो रहे हैं उन सब के साथ हर कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट एक छोटे परफ्यूम का टेस्टर जो है वो हम दे रहे हैं। तो इस तरह से हमने भी जो लास्ट मंथ जो है पिज्जा हट के साथ कैंपेन की थी, उनके वाउचर्स अपने कस्टमर्स को पहुंचाए थे, तो हम ये मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर को हमेशा प्रोडक्ट के साथ साथ कोई ऐसी चीज़ और भी दी जाए जो सरप्राइज हो और उसको रिटेन करने में और लॉयल बनाने में हेल्प करे। इफ़ यू गिव दैट परफ्यूम, उसको कुछ एफर्ट डालनी पड़ी, सिर्फ उसको खरीदना पड़ा, राइट? अब इसकी ब्यूटी क्या है कि हमारा वो परफ्यूम नहीं था, हमारे एक सेलर का था, तो हमने अपने सेलर को ये अपॉर्चुनिटी दी कि आप हमारे कस्टमर बेस को रीच आउट कर सकते हैं, अगर आप कोई तोहफा या कोई सैंपल अपने परफ्यूम्स का देना चाहें, और परफ्यूम वो वाहिद चीज़ें जो आप ऑनलाइन कैसे खरीदेंगे किसी नए ब्रांड के, जब तक आप उसको फील नहीं करेंगे, एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, अगर आप ब्रांडेड परफ्यूम लेते तो लेना आसान है, लेकिन जब नया ब्रांड है तो उसके लिए उनके लिए भी वैल्यू प्रोपोजिशन थी, हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन थी, तो उन्होंने हमारे कस्टमर्स के लिए एक तोहफा दिया, उसके साथ एक डिस्काउंट कोड अपने ही टेरीमार्ट के स्टोर का लगाया उस प्रोडक्ट के लिए, और टेरीमार्ट ने उनको एक रीच दी, एक एक्सपोजर दिया कि हमारे हर कस्टमर को मिला। तो जो मैं आपको जब कह रहा था कि हम अलायंस पे पार्टनरशिप से बहुत फोकस करते हैं, तो यही उसी की एक एग्जांपल है कि जब भी विन विन सिचुएशन क्रिएट होगी ना किसी भी चीज के अंदर, तो वो हमेशा दूर तक जाएगी, सस्टेन करेगी, आगे जाएगी। तो टेरीमार्ट ने यहां पे तीन विन क्रिएट किए, पहला उस ब्रांड के लिए जिन्होंने अपने परफ्यूम मार्केट करने थे, दूसरा टेरीमार्ट के लिए कि टेरीमार्ट की कस्टमर्स के लिए बेहतरी हुई, तीसरा कस्टमर के लिए कि कस्टमर को भी एक चीज जो है उसके पार्सल के साथ फ्री मिली, सरप्राइज मिला और वो खुश हुआ। तो ये तीनों विन क्रिएट हुए तभी इस पे बड़ा अच्छा हमें माशाल्लाह रिस्पांस मिला। माशाल्लाह, एक सबक जो मैंने इनसे अभी भी सीखा है, अगर आपको कोई गिफ्ट देना है तो फिजिकल मत भेजिएगा, पिज्जा हट का, KFC का डिस्काउंट कोड, आप समझ रहे हो कि मुझे अगर 15% या 20-30% का डिस्काउंट कोड मैं भेज रहा हूँ, क्या कहते हैं, पिज्जा हट का अपने फॉलोअर्स को या किसी को वाउचर भेज रहा हूँ बाय वन गेट वन फ्री, तो मुझे क्या कहते हैं पिज्जा हट को पैसे देने पड़ेंगे? नहीं, पिज्जा हट लिटरली आपको देगा कि यार ये 40,000 जो ये वाउचर्स हैं बाय वन गेट वन फ्री वाले हमारे ग्राहकों तक पहुँचाओ। आई सीन एयरलाइंस वेस्ट में वो होता है, रायन एयर का जो CEO, अगर उसकी बात सुने, शुरू में जब ये बजट एयरलाइन की बात कर रहा हूँ, बजट एयरलाइन उन्होंने शुरू की थी या इजी जेट ने शुरू की थी, उसमें क्या होता था, उन्होंने कहा यार कोई प्रीमियम चीज़ आपको नहीं देंगे, खाना नहीं देंगे, पीना नहीं देंगे, सब कुछ आपको खरीदना पड़ेगा। ट्रॉली आती थी बाजी लेके, तो आप कोई चीज़ खरीदते थे वहाँ से, ये लोग बाहर से खरीद के फिर वहाँ पर बेचते थे, थोड़ी महंगी बेचते थे। ऐसा ऐसा क्या हुआ, सारे कहते थे कि यार मेरी चीज़ उस ट्रॉली पर बेचो। स्निकर होती है ना, स्निकर वाले इनको इस हद तक चले कि स्निकर वाले पैसे देते थे, मुफ्त का सामान भी देते थे, पैसे भी देते कि हमारी चीज़ उस पर बेचो, और अब वो प्रीमियम स्पॉट्स ही बन गई है। सो व्हाट ही स्टार्टिंग दैट कुड बी अनदर
रेवेन्यू साइकिल भी आपके लिए हो सकता है, अपसेलिंग भी हो रही है, सो इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर एवरीबॉडी। गॉट इट बैंग ऑन, आपने सही से तो टेलीमार्ट ने करीम के साथ, बाइकिया के साथ, फूड पांडा के साथ, इन सब के साथ ये अलायंसेज हम पास्ट में करते रहे वाउचर्स वाली, और अब विद आवर फ्रेंचाइज नेटवर्क जो हमारा ऑफलाइन भी है, वहाँ पे जब हमारा नेटवर्क फैलता जा रहा है और ग्रो करता जा रहा है, और आज हम लोग 13 शहरों में हैं, 18 लोकेशंस पे हैं, तो नाउ ब्रांड्स आर एक्चुअली अप्रोचिंग टेलीमार्ट कि टेलीमार्ट के जो आउटलेट्स हैं वहाँ पे अगर हमारी ऑब्वियसली रिलेटेड ब्रांड्स कि हमारी स्टैंडी रखनी है या हमें वहाँ पे कुछ छोटा सा टेम्प्रेरी ब्रांडिंग करनी है या कोई टेबल टॉप रखवाना है, तो वो एक जो रेवेन्यू स्ट्रीम की आप बात कर रहे हैं, तो वो एक नेटवर्क जब आपका बनता है तो नाउ आप उससे मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी निकाल सकते हैं। यस, अब हूज गोना अप्रोच यू, कब आपको अप्रोच करेंगे? मैं अपनी मिसाल देता हूँ, 6 साल पहले जब मैंने शुरू किया था तो मैंने आपको कहा था मेरे 7 व्यूज रोज के होते थे। राइट नाउ अगर आजकल की देखें तो यूट्यूब पे 1-1.25 लाख रोज के हो रहे हैं, अपना अगर आप फेसबुक पे देखें तो वहाँ पे 3-4 लाख रोज के हमें व्यूज़ हो जाते हैं, टिकटॉक पे देखो तो वो भी, यानी महीने के ना आप आराम से कह सकते हो कि वी गॉट 10-30 मिलियन व्यूज़ हमारे हो जाते हैं। आई डोंट नो लाखों में, अब वो कैसे उसको मैं ट्रांसलेट करूँगा। अब मैं डिमांड में हो गया, पहले मुझे तरले करने पड़ते थे किसी के, अब लोग मुझे पैसे देने के लिए तैयार हैं, जी हम आपको 10 लाख देंगे, 25 लाख देंगे, आप ये वीडियो बना दो। अभी तक ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं आई जहां पे मैं समझूं कि आपका डायरेक्ट फायदा हो रहा है। मैं पैसों को ना नहीं बोलूंगा, इवन दो आई सेड कि मैं पैसे नहीं चार्ज करता, लेकिन आई एम नॉट स्ट्यूपिड एट द सेम टाइम। डेनू सारे बंदे मुझे अप्रोच कर रहे हैं, इनको क्यों अप्रोच कर रहे हैं? क्योंकि इनकी नेटवर्क बढ़ती जा रही है। आज कितने स्टोर हैं आपके? हमारे 18 स्टोर हैं माशाल्लाह 13 शहरों में। ठीक है, जब इनके 100 हो जाएंगे तो और लोग इनको कहेंगे यार ये फ्री का प्रोडक्ट भी देना और हमसे पैसे भी ले लो। सो इन ऑर्डर टू रीच दैट लेवल कि आपके भी लोग पीछे पड़ जाएं, शुरू करो, गेट स्टार्टेड। द बिगेस्ट पॉइंट इज कि शुरू करो। अगर मैं 7 से शुरू होकर आज यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, एंड इंशाल्लाह विद इन बाय द एंड ऑफ 2021 मैं मिलियन सब्सक्राइबर को प्लस कर जाऊँगा, एंड बड़ी मुश्किल से किए हैं। पाकिस्तान में बिजनेस को कोई समझा नहीं जाता, अगर मैं कॉमेडी कर रहा होता ना तो भाई मैं भी 4-5 पे होता, बट कोई नहीं, नेक्स्ट ईयर देखेंगे, बाय द एंड ऑफ 22 2 मिलियन को क्रॉस करेंगे इंशाल्लाह। जिस तरह हमसा कह रहे हैं कि हमारे पास डायरेक्ट सप्लायर होते हैं, शुरू जब आपने किया था तो वो हाजी साहब थे, वो मेहमान साहब थे, वैसे आज अगर सैमसंग का ये टीवी बेचते हैं तो सैमसंग डायरेक्टली इनको देती है, यानी इन्होंने अपनी प्रेजेंस तैयार की ना, बनाई, तो अब बड़े से बड़ा इनको डायरेक्ट आके दे रहा है, कहते हैं हमसे ले लो। हर छोड़ने से आपकी रिटर्न रेट क्या? अच्छा, हमारा रिटर्न रेट अल्हम्दुलिल्लाह, तो रिटर्न जो है वो रफली हमारे 3-4% के आसपास होते हैं। इसकी मेन वजह क्या है, एंड हाउ डू यू हैंडल नेगेटिव फीडबैक या अपना कस्टमर कंप्लेंट्स? अच्छा, कस्टमर कंप्लेंट्स इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ एनी बिजनेस, जहाँ पे आप बहुत सारे एक्सटर्नल पार्टीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं सर्विस देने के लिए। ई कॉमर्स में आप आइसोलेशन में खुद तो नहीं चला सकते, तो मुझे सेलर भी चाहिए, मुझे टेक्नोलॉजी के ऊपर भी रिलाई करना है, मुझे डिलीवरी सर्विस के ऊपर भी रिलाई करना है, और मुझे इतनी सारी चीज़ों के ऊपर रिलाई करना है कि अगर उसमें से कोई एक भी चीज़ खराब हो जाती है तो नाम किसे खराब होगा, मेरा होगा। तो यहाँ पे सेलर्स भी कभी कभार उनकी तरफ से कोई इशू आता है, कोरियर की तरफ से भी कभी कभार कोई इशू आता है कि उनका प्रोडक्ट जो है वो रास्ते में डैमेज हो गया, या उनके राइडर ने, अब देखें जो कोरियर कंपनीज हैं हज़ारों राइडर्स हैं, तो वो भी किसी हद तक करते हैं। तो हमारे साथ पिछले 7 साल में 7 दफ़ा शायद ऐसा भी हुआ होगा कि उनके किसी राइडर ने वो पार्सल चोरी कर लिया और दूसरे फ्लायर के अंदर कुछ चीज़ डाल दी। लेकिन हम देखें, अ कंपनी इज़ नॉट नोन, कंपनी को आप इस तरह से नहीं परखते कि उसकी कंप्लेंट्स क्या हैं, आप उसको परखते हैं वो कंप्लेंट्स रिजॉल्व कैसे करता है। एप्पल के कंप्लेंट डिपार्टमेंट नहीं है, उससे बड़ी कोई कंपनी है, तो जब एप्पल के कंप्लेंट डिपार्टमेंट, इसका मतलब ये कि कंप्लेंट्स आती हैं, लेकिन कंपनी को आप जज उससे करते हैं कि वो कंप्लेंट हैंडल कैसे करते हैं। तो अगर कस्टमर को गलत प्रोडक्ट निकल गया और वो कोरियर का राइडर ने चोरी किया था, तो टेलीमार्ट का वो प्रोडक्ट इंश्योर्ड है, वो प्रोडक्ट क्लेम होगा, कस्टमर को नया मिलेगा। अगर कस्टमर को गलती से मॉडल जो है एक्स की जगह वाई डिलीवर हो गया, साइज लार्ज की जगह स्मॉल डिलीवर हो गया, तो उसको वो लार्ज दोबारा मिलेगा। कस्टमर के कोई भी इशू आता है तो वो जाहिर सी बात है वो रेजोल्यूशन की तरफ जाता है, और कोई एक कस्टमर आपको ऐसा नहीं मिलेगा जो कहे कि मेरा इशू रिजॉल्व ही नहीं हुआ या मेरे पैसे किसी ने रिटर्न ही नहीं किया। तो वो अगेन रिजॉल्व कैसे करना, उस पर टेलीमार्ट बहुत फोकस करता है। माशाल्लाह, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया इंश्योर्ड का, खुद इंश्योर करें या हर प्रोडक्ट के साथ आप इंश्योरेंस ले रहे हैं, कमर्शियल इंश्योरेंस ले रहे हैं? नहीं, देखिए अगेन स्मार्ट, अगर मैं ये खुद कर रहा होता पैसे लेके, तो मेरा मार्जिन कम हो रहा है, मेरा पैसा निकल रहा है। तो ये अलायंस, ये हमारे जितने पार्सल्स हैं वो टेलीमार्ट अपनी जेब से उनकी इंश्योरेंस नहीं देता, वो बाय डिफॉल्ट इंश्योर्ड ही होते हैं बाय टेलीमार्ट। यस, तो टेलीमार्ट की अरेंजमेंट ये है कि हमारी इंश्योरेंस या क्लेम जो है वो ऑलरेडी इट्स टेकन केयर ऑफ। जबरदस्त, ये जो आपके सप्लायर हैं, ठीक है, अब मैंने कहा कि सैमसंग भी आपसे डायरेक्ट रابطہ करता है, कैसे रابطہ करता है? कहीं नंबर आपका लिखा हुआ? बिकॉज देयर विल बी पीपल आउट देयर जिनको बेचना है कुछ, और उनको यार टेलीमार्ट के इतने ज्यादा कस्टमर्स हैं, मैं भी वहां पे लिस्ट करता हूँ, दराज पे जाके लिस्ट करते हैं,
सो व्हाई कांट दे लिस्ट विद यू, कैसे आपसे रब्ता करें? बिल्कुल, तो पहली क्लैरिटी तो ये है कि टेरीमार्ट ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ हम ब्रांड्स के साथ या ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ काम करते हैं, क्योंकि काफ़ी प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो लोगों के अपने प्राइवेट ब्रांड्स हैं, वो अपनी चीज़ें बेचते हैं, चाहे वो हैंडीक्राफ्ट हो, अपैरल हो, क्लोथिंग हो, शूज़ हो, तो उसके लिए टेरीमार्ट हर तरह के जो है वो सेलर्स के साथ काम कर रहा होता है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं टेरीमार्ट के पास बेचने के लिए अपने प्रोडक्ट्स को, अपने पोर्टफोलियो को, तो हमारी सिर्फ कंडीशन क्या होती है, हमारी कंडीशन ये होती है कि आप दो नंबर चीज़ नहीं बेच सकते, आप कॉपी रेप्लिका नहीं बेच सकते। तो अगर आप दो नंबर चीज़ कॉपी या रेप्लिका नहीं बेचते हैं और ब्रांडेड प्रोडक्ट बेचते हैं या अपने नाम की प्रोडक्ट बेचते हैं या बगैर नाम वाली भी बेचते हैं और उसमें किसी की रेप्लिका या कॉपी नहीं है, तो आप बेच सकते हैं, यू क्वालिफाई, आप लोग करते हैं उसके लिए। आप अप्लाई कर सकते हैं terrymart.pk/seller के ऊपर, ये लिंक है terrymart.pk/seller, आप वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक सेलर का फॉर्म है, आप उसको फिल करेंगे और फिर हमारी टीम जो है वो दे विल गेट बैक टू यू और आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस से आगाह करेंगे। और एक अच्छी बात यह है कि टेरीमार्ट जो है लिस्टिंग की, पिक्चर्स की, प्राइस अपडेट्स की सारी फैसिलिटीज़ टेरीमार्ट आपको फराहम करता है। तो अगर आप डरते हैं, घबराते हैं कि यार मैं पैकिंग मुझे नहीं करना आती, या मैं कैसे शिप करूंगा, या कोरियर का सीएन नंबर कैसे निकलता है, या लिस्टिंग कैसे होती है, या कैसे पिक्चर्स खींची जाती हैं, या अपडेट कैसे करनी है प्राइसेस, तो आप अगर टेक्निकली चैलेंज्ड भी हैं तो टेरीमार्ट की हेड ऑफिस की जो टीम है वो हमारे सारे सेलर्स की प्राइसिंग को, लिस्टिंग को, अपडेट्स को फैसिलिटेट करती है। ज़बरदस्त, आपने कहा था समय दौरानिया इंटरव्यू के एक ही प्रोडक्ट के हमारे पास मल्टीपल होते हैं, तो फर्ज करिए एक बच्चा आपको ये ग्लास दे रहा है, उसने तो कह दिया कि यार मेरा बिजनेस टेलीमार्ट के जरिए चलेगा क्योंकि मैं 20,000 ग्लास लेके रख लिए। कल को एक और बंदा आता है, ये अगर 1 रुपए का यानी 10 रुपए का दे रहा है तो वो 9 रुपए का आपको देना शुरू कर देता है, व्हाट हैपेंस देन? बिल्कुल, देखें हम जब मल्टीपल सेलर्स के साथ काम करते हैं और वो सारे सेलर एक ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, तो टेलीमार्ट चूंकि उन सारे सेलर्स को अलग अलग प्रोडक्ट लिस्टिंग नहीं देता और एक प्रोडक्ट जो है वो वेबसाइट पर नज़र आता है, तो फिर वो सेल उसकी होती है जिसका सबसे सस्ता रेट हो, क्योंकि अगेन प्रोडक्ट तो सेम है, या तो वो सेलर कोई चीज़ ऐड ऑन कर रहा है या उसके अपने ब्रांडेड ग्लास है तो फिर वो अलग लिस्ट हो सकता है। लेकिन जब प्रोडक्ट एक है तो हमारे लिए भी फीजिबल यही है कि जो सबसे अच्छी प्राइस पे दे रहा है और सेम प्रोडक्ट है तो कस्टमर को वो प्राइस पास ऑन की जाए। बस मुहतात रहिएगा, किसी से लेके चीज़ आगे नहीं बेचनी क्योंकि बड़ी चांस है कि आपका पहले से रब्ता है, लेकिन अगर आपका खुद का प्रोडक्ट है तो देन डू गेट इन टच विद टेलीमार्ट। आखिरी सवाल, वो रस्ते में मैंने आपसे पूछा था कि जब आप एक्सपेंशन करे जा रहे हैं, आपने वो क्या कहते हैं फ्रेंचाइजेज निकाल दी, लेकिन उससे पहले फ्रेंचाइजी से पहले कुछ ना कुछ तो आपने किया होगा टू लर्न कि यार वो स्टोर कैसे चलना चाहिए, उसके स्टैटिक्स कैसे होने चाहिए। डिड यू गाइज ओपन योर ओन स्टोर्स? अच्छा, ये बड़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है और ये हमने किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे पहले बताया भी नहीं है कि टेरीमार्ट ने बिल्कुल अपने लॉन्च होने के कुछ सालों बाद हमने कंपनी ओन्ड, कंपनी ऑपरेटेड आउटलेट्स बनाए थे जो कि कंपनी खुद ओन करे, खुद चलाए, लेकिन वो एक हमारे लिए बहुत बड़ा लर्निंग थी कि उनको खुद चलाना, उसके ऊपर कंट्रोल मेक श्योर करना, क्योंकि जाहिर सी बात है उस वक्त ऑनलाइन के ई कॉमर्स के ऊपर हमारा फोकस ज़्यादा था, तो हम सारा टाइम, सारी एफर्ट, सारी जो एनर्जी थी वो ई कॉमर्स, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी एक्सपेंशन, मार्केटिंग उस पर दे रहे थे। तो वो जो हमने स्टोर्स खोले उसमें से आप समझे हमने तकरीबन बंद कर दिए, और वहाँ पर हमारी लर्निंग ये थी कि यार ये मॉडल इस इंडस्ट्री के लिए फीजिबल नहीं है, यहाँ पर चैलेंजेस कंट्रोल परस्पेक्टिव से ज़्यादा हैं कि जब आप वहाँ पे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हैं चीज़ों को देखने के लिए और उसकी आपको जो सर्विस स्टैंडर्ड है वो उस तरह से डिलीवर हो, तो वो एक चैलेंज आया। फिर वो एक्सपेंसिव था कि आपने जगह देखनी है या तो रेंट पे लेनी है, खर्चे भी आपने बेयर करने, बनाना भी आपने, माल भी आपने भरना है, तो कंपनी का एक बहुत सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट जो है वो उस जगह लग रही थी, और एक सर्टन कैपेसिटी थी कि अगर मैं कंपनी ओन स्टोर खोलता हूँ तो शायद मैं 3 महीने में एक स्टोर खोल सकता हूँ। तो फिर हमने जब वो लर्निंग देखी, वो चैलेंजेस देखे, और उस वक्त ऑब्वियसली एक और जो इंपॉर्टेंट चीज़ थी कंपनी आउटलेट्स ना चलने की वजह जो थी वो ये थी कि इट वॉज नॉट द राइट टाइमिंग। उस वक्त टेरीमार्ट इतना बड़ा ब्रांड था ही नहीं, तो टेरीमार्ट के लॉन्च के बाद जब 2 साल हुए थे तो उस वक्त टेरीमार्ट को लोग जानते ही नहीं थे। तो टाइमिंग का जो फैक्टर है ना कि आप हर चीज़ की टाइमिंग भी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, चाहे बिजनेस मॉडल परफेक्ट हो, फ्लॉलेस हो, टाइमिंग, तो वहाँ एक चैलेंज आया। ऑफलाइन तो जाना ही था, बिल्कुल उसको कॉन्कर तो करना ही था। बिल्कुल, तो कंपनी आउटलेट्स वाला मॉडल जब नहीं चला, टाइमिंग के भी इशूज थे, बाकी भी प्रोसेस वाइज इशूज थे, तो हमने कहा कि ऑफलाइन को छोड़ना तो नहीं है, ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको टैप करना है, तो किस तरह से टैप किया जाए। फिर हमने फ्रेंचाइज मॉडल के ऊपर सोचा कि हाउ कैन वी ब्रिंग इन टू प्ले द फ्रेंचाइज मॉडल इन पाकिस्तान, कि हम एक चेन ऑफ स्टोर्स अक्रॉस पाकिस्तान बनाएं और एक ऐसी प्रोपोजिशन के साथ बनाएं कि जो कोई और मोबाइल की दुकान या गैजेट्स की दुकान या इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वो कर ही ना सके, जो कंपेटिटिव एडवांटेज वाली बात है। तो हमने इसके ऊपर वर्किंग की, रिसर्च की कि पाकिस्तान में तो कोई ऐसा मॉडल था नहीं फ्रेंचाइज का, मोबाइल या गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर, तो उस पर हमने सोचा क्या चीज़ें हैं, और अगेन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये था
कि नो योर कस्टमर, कोई भी चीज़ जब आप लॉन्च करते हैं तो आप अपने कस्टमर को सोचते हैं कि मेरा टारगेट कस्टमर कौन होगा और उसके चैलेंजेस क्या हैं, उसके पेन पॉइंट्स क्या हैं, उसकी ज़िंदगी में किस तरह से आसानी आएगी। तो हमने अपने कस्टमर्स को स्टडी किया, जो हमारे कस्टमर्स थे बेसिकली, हमारा जो टारगेट मार्केट थी या जो एड्रेसेबल मार्केट थी वो थी मोबाइल फ़ोन गैजेट्स के, लैपटॉप्स के या इलेक्ट्रॉनिक्स के दुकानदार जो ऑलरेडी दुकानें चला रहे हैं। तो हमने कहा उनकी ज़िंदगी में कैसे आसानी लाई जा सकती है। लेकिन वो अभी कंपेटिटर नहीं थे। बिल्कुल, तो ये बड़ी अच्छी आपने बात बोली, इस एंगल पे मैंने भी कभी नहीं सोचा कि वो एक्चुअली हमारे कंपेटिटर भी हैं, दुश्मन है। वो हमारे कंपेटिटर भी हैं कि वो तमाम चीज़ें जो टेलीमार्ट ऑनलाइन बेचता है वो ऑफलाइन स्टोर्स में अपने वो चीज़ें बेच रहे हैं, क्योंकि अगेन वही होमोजेनस प्रोडक्ट्स वाली बात कि सब वो प्रोडक्ट बेचते हैं। तो हमने एक स्ट्रैटेजी, ये भी आपने अच्छी बताई, कि उस हमारा अननोन तरीके से हमने अपने कंपेटिटर्स को भी अपने साथ मिलाया और उनके साथ एक पार्टनरशिप शुरू की। तो फ्रेंचाइज पे, बिल्कुल, तो फ्रेंचाइज पे हमने फिर ये किया कि एक ऐसा मॉडल जो है वो बनाया जो दुनिया में कहीं भी इस तरह का मॉडल इस वक्त नहीं है। और वो इसलिए नहीं क्योंकि दुनिया में पाकिस्तान जैसा रिटेलर भी कहीं नहीं है, दुनिया में पाकिस्तान जैसे हालात भी कहीं नहीं है। तो हमने उसको लोकलाइज किया अपने कस्टमर को देखते हुए। और फिर हमने एक चीज़ ऐसी लॉन्च की 2 साल पहले और उसके ऊपर हमने फोकस जो बहुत अच्छे तरीके से किया है, उसमें जो डेवलपमेंट्स अच्छी हुई वो 1 साल पहले हुई हैं। और पिछले 1 साल में अलोन टेलीमार्ट ने माशाल्लाह 13 फ्रेंचाइजेज जो हैं वो लॉक की हैं 1 साल में, और अगस्त के महीने में अलोन हमने 4 फ्रेंचाइजेज लॉक की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो नाउ दिस प्रोग्राम इज़ फुली कुक्ड अप, पूरा टाइमिंग भी सही है, उसके तमाम जो इन्ग्रीडियंट्स हैं वो भी सही हैं, एंड नाउ अल्हम्दुलिल्लाह वी आर रेडी टू टेक ऑफ विद दैट। हाउ, मैं समझाऊँ? बिल्कुल। इन्होंने क्या किया कि एग्जिस्टिंग जो स्टोर्स है ना जिनकी दुकान चल रही है, सबसे छोटी स्टोर कितनी है आपकी? हमारी सबसे जो छोटा स्टोर है वो 150 square feet का, 150 square, यानी कियोस्क कह लें। सबसे बड़ा कितना है? सबसे बड़ा हमारा रफली 4,500 square feet का है, लेकिन ये इंडिपेंडेंट स्टोर है, उसका एक ही मालिक है। वी नॉट टॉकिंग अबाउट द अफजल्स एंड द वाजिद बिग स्टोर्स, वो नहीं हम बात कर रहे जो आपको मिलते हैं GT रोड के ऊपर N5 के ऊपर। वी टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस, कोई मॉल के अंदर है, कोई किसी बाजार के अंदर है, कोई किसी प्लाजे के अंदर है। उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि हम कितना उनसे चार्ज करते हैं? हम फ्रेंचाइजिंग फी लेते हैं 8 lakh rupees और 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट लिया, उसकी फेशा वेशा जहाँ पे ओप्पो लगा होता है और क्या जी सैमसंग लगा होता है उसको तब्दील करके सारी की सारी बाहर अपनी ब्रांडिंग लगाते हैं। ब्रांडिंग लगा दी और वाई एग्जिस्टिंग, ये तो दुश्मन है। नहीं, दुश्मन में भी ऐसे लोग हैं जो आप देख रहे हैं कि हमारा इतना बड़ा कंपेटिटर है कि बंदा इनके पास आता है, यार ये देख टेलीमार्ट पे प्राइस लगी है, मैच क्यों नहीं करके देता, वो अगर बेच सकते हैं तो आप भी बेचो। तो अब उनको भी पता लग गया कि यार टेलीमार्ट भी कोई शहर, ठीक है। तो ब्रांडिंग इनकी लगेगी, स्टोर आपका होगा, स्टोर की डेकोरेशन आपने करनी है। अब हर स्टोर हर चीज़ तो नहीं रख सकता, ठीक है, हर स्टोर उस कीमत पे तो नहीं ले सकता जो इनकी बाइंग पावर है। तो जितने ये बड़े होते जाएंगे उतना दबाव ये सैमसंग पर डाल सकते हैं। सैमसंग उधर तुझे 1,000-10,000 स्टोर को बेचनी पड़ती है, वही माल हम रातों रात बेच देते हैं तो हम भी कोई शाह हैं, ठीक है, इनमें भी दलेरी आ गई। तो ये क्या कर रहे हैं, अकलमंदी इनकी क्या है, पैसा ये ज़्यादा कमाएंगे बाई इंक्रीसिंग दैट नेटवर्क, और इट्स अ विन विन सिचुएशन। एक छोटा सा स्टॉल है वो टेलीमार्ट का फ्रेंचाइज हो गया, अब उसके अंदर वो क्या रखे, ओप्पो के रखे, सेकंड हैंड रखे, एक्सेसरीज रखे, एप्पल का सामान रखे, कितने रखे, यानी उसका स्टोर 150 feet का है, 300 feet का है, एक मरले का है, लेकिन सामान वो पूरे वैसा उसका रख सकता है अगर वो टेलीमार्ट का हिस्सा बन जाता है। क्यों, मैं वहाँ पे जाता हूँ, मैं कहता हूँ यार मुझे आईफोन ये 8 वाला चाहिए या वो क्या कहते हैं 11 वाला चाहिए, एक्स वाला चाहिए, यार वो तो नहीं है मेरे पास, मेरे पास तो लेटेस्ट वाला है, लेकिन कोई नहीं कल मिल जाएगा आपको, परसों मिल जाएगा, ये देख लो, मुझे यार कैमरा इतने वाला चाहिए, उसकी इतनी मेमोरी होनी चाहिए, उसकी बैटरियाँ नहीं है, कैनन का चाहिए, सैमसंग का, वो अपना सोनी का चाहिए, जो भी है, यार कैनन का तो मेरे पास है लेकिन सोनी का कल मिल जाएगा। और ले किससे रहे हैं, वही यार, वही आपका उमैर, वही आपका वो क्या कहते हैं साजिद, वही आपका जो आज़ाद जो है ना, आपका जो जानने वाला है, जो जिगरी दोस्त है आपका, बस उसकी दुकान बढ़ गई है। अब फ्रेंचाइजी को क्या फ़ायदा है, यानी वो बंदा डायरेक्ट टेलीमार्ट से क्यों ना खरीद ले, फ्रेंचाइजी को ये एडिशनल अथॉरिटी देते हैं कि आप ना इतना डिस्काउंट दे सकते हैं उस पर, तो ताकि वो बंदा उसको बाईपास करके इनके पास ना आए। लॉयल्टी बढ़ गई, इनको मार्केटिंग पे पैसे नहीं खर्चने पड़ते, मार्केटिंग पे पैसे नहीं ना खर्च रहे, क्योंकि ग्राहक तो उसका रेडीमेड है, उसका तो ग्राहक तो लगा हुआ है, आदतन उससे खरीद रहा है। तो क्या होता है, वही डिस्काउंट वो रिटेलर को दे देते हैं, रिटेलर का मार्जिन बढ़ जाता है, वो चीज़ बेच सकता है जो उसके पास है नहीं, ठीक है, उसको रखनी नहीं पड़ती, इट्स ऑलमोस्ट लाइक इधर से पैसे लिए और
कल को वो डिलीवर कर दी, लाइक ऑलमोस्ट रियल लाइफ ड्रॉप शिपिंग हो गई। तो ये स्टोर मॉडल फॉरेन में चलता है, आर्गोस इसका नाम है, इंडेक्स इसका नाम है, फॉरेन में ये चलता है एंड इन्होंने अब ये पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करना शुरू कर दिया एंड आई थिंक इट्स अ विन विन सिचुएशन। लेकिन वन ऑफ द थिंग्स दे हैव ऑप्टेड एज अ बिजनेस पॉइंट, हम किसी नए बंदे को नहीं आने देंगे, हमने कभी भी किसी नए बंदे को फ्रेंचाइज नहीं देनी, एग्जिस्टिंग स्टोर चलाता हो, उसके पास एक्सपीरियंस हो, क्योंकि ये बहुत यानी टेक्निकल चीज़ है। तो आई थिंक दैट्स द लास्ट सबक जो हमने आपसे सीखना है। अगर फर्ज कर यहाँ से किसी ने लेना है, they want this franchise, वो किधर से आपसे रब्ता करें? अच्छा, अगर आपने टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज के लिए अप्लाई करना है तो आप telemart.pk/franchise है, वहाँ जाएंगे, वहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्म में, बड़ा आसान सा फॉर्म बनाया है क्योंकि अगेन कस्टमर्स को देखते हुए, तो बड़ा आसान सा फॉर्म है, आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स वहाँ शेयर करनी है और फिर हमारी जो फ्रेंचाइज की टीम है वो आपसे रब्ता भी करेगी, आपको डॉक्यूमेंट्स भी भेजेगी, आपको कॉल के ऊपर समझाएगी भी। और इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज़ाद भी बता भी रहे थे कि इसमें देखें मल्टीपल बेनिफिट्स, क्या बेनिफिट्स हैं एक रिटेलर के लिए या फ्रेंचाइजी के लिए। एक तो उसकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बढ़ जाती है, वो पहले सिर्फ मखसूस प्रोडक्ट्स डील कर रहा है, टेलीमार्ट के साथ आने के बाद वो टेलीमार्ट की वेबसाइट पे मौजूद तमाम प्रोडक्ट्स सेल कर सकता है विद 0% या जीरो कॉस्ट इन इन्वेंट्री, बगैर खरीदे। तो अगर वो अपनी दुकान पर सिर्फ मोबाइल गैजेट्स और बाकी एसेसरीज रखता है, इलेक्ट्रॉनिक्स रखता है जो वो पहले रखता था, तो टेलीमार्ट की वेबसाइट से वो फैशन, बुक्स, ऑटोमोटिव और जितनी कैटेगरीज हैं वो सारी बेच सकता है अपने वर्चुअल ऑनलाइन अकाउंट के साथ। तो हर फ्रेंचाइज को टेलीमार्ट जो है वो एक ऑनलाइन डिजिटल अकाउंट भी देता है जिसके थ्रू वो तमाम प्रोडक्ट्स के ऑर्डर अपने कस्टमर्स के लिए प्लेस कर सकते हैं बगैर एक रुपया भी इन्वेस्ट किए, बगैर लॉजिस्टिक्स का टेंशन लिए, बगैर कैश ऑन डिलीवरी का टेंशन लिए, और उसको उस पर कमीशन भी मिलता है और वो कस्टमर्स को डिस्काउंट पास ऑन कर सकता है ताकि कस्टमर बाकी प्रोडक्ट्स भी जो टेलीमार्ट की वेबसाइट पर हो उनके थ्रू मंगवाएं। दूसरी चीज़ ये कि टेलीमार्ट एक और अगेन अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव हमने किया है कि टेलीमार्ट के हर फ्रेंचाइज पे और टेलीमार्ट की वेबसाइट पर पूरे पाकिस्तान के सारे डेबिट कार्ड होल्डर्स, सारे क्रेडिट कार्ड होल्डर्स, किसी भी बैंक के जो हैं वो इंस्टॉलमेंट पे चीज़ें खरीद सकते हैं जो किसी भी दुकानदार के पास ये ऑप्शन या ये अपॉर्चुनिटी नहीं है। और वो तकाफुल इस्लामिक इंश्योरेंस भी दे सकते हैं, पोर्टफोलियो बढ़ गया, मार्केटिंग सपोर्ट। ऑब्वियसली टेलीमार्ट अपनी हर फ्रेंचाइज को पेड मार्केटिंग सपोर्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर उनके एरिया के लिए दे रहा होता है ताकि उनका कस्टमर फुटफॉल भी जो है वो मुस्तकिल जो है वो बढ़ा हुआ रहे और उनकी कस्टमर्स और सेल्स में इजाफा भी होता रहे। और ये जो भी मेंशन की ना इन्होंने किस्तों वाली बात, उसका मेजर फायदा रिटेलर को पता क्या, कि एक कस्टमर आता है कहते हैं यार मेरे पास 1,00,000 है, मुझे एक फ़ोन चाहिए। आप उसको ये कह सकते हो कि भाई 50,000 मेरे से खर्चो और 3 फ़ोन ले जाओ, वाइफ के लिए, फैमिली के लिए, भाई के लिए, उनके लिए, और 50,000 अपने पास रखो। वो कैसे, दैट किस्तों वाला माल। और किस्तों में क्या होता है, जब आपने एक फ़ोन बेच रहा था उसी जगह आप 3 बेच रहे हो, 3 जब आप बेचते हैं डू दे गेट द मनी इंस्टेंटली, यानी वो साल के, क्योंकि ग्राहक को तो किस्तों में देना है ना, साल में देना है, क्या उनको किस्तों में पैसे मिलते हैं? टेलीमार्ट की फ्रेंचाइजेस को पैसे जो है वो फौरन मिल जाते हैं और जो हमारा पार्टनर है वो ऑब्वियसली रिकवरी करेगा, उसने कस्टमर से पैसे लेने हैं, उसने सारी चीज़ें करनी है। तो टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज ने सिर्फ सेल करी इंस्टॉलमेंट पे और उनके पैसे उनको पूरे उसी वक्त मिल जाते हैं। तो ये इस तरह की हमने अलायंसेस किए हैं जिससे फ्रेंचाइज का भी बेनिफिट हो, कस्टमर का भी बेनिफिट हो और टेलीमार्ट का भी बेनिफिट हो रहा हो। माशाल्लाह। एक और लास्ट सवाल मेरा, अपना 8,00,000 तो आपकी वो फीस होगी सेट, परसेंटेज क्या है व्हाट दे हैव टू पे? कोई रॉयल्टी हमारे फ्रेंचाइज प्रोग्राम में नहीं है, वो अपनी आउटलेट पे करोड़ की सेल करते हैं, 50,00,000 की सेल करते हैं, टेलीमार्ट उनकी सेल से कोई हिस्सा, कोई परसेंटेज, कोई चीज़ नहीं ले रहा होगा। और यही इस प्रोग्राम की ब्यूटी है कि टेलीमार्ट उनकी सेल से कोई डिडक्शंस नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन वो जो उनका पहला माल है वो बेच सकते हैं एंड आपसे भी बेच सकते हैं, यूज्ड फोन भी बेच सकते हैं, वो रिपेयर सर्विसेज भी कस्टमर को दे सकते हैं, वो तमाम तरह वो काम कर सकते हैं जो एक नॉर्मल दुकान करती है। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे और काम है जो हमने उनको एम्पावर किया है कि वो टेलीमार्ट की फ्रेंचाइज होते हुए कर सकते हैं जो एक नॉर्मल दुकानदार नहीं कर सकता। माशाल्लाह। एंड वो जो आपने कहा कि जी वो अपना रिपेयरिंग वगैरह करते हैं, एट सम पॉइंट ग्राहक कहेगा यार टेलीमार्ट ने मेरी रिपेयरिंग बुरी की है, आप तक अगर पहुंचती है, हाउ डू यू हैंडल दैट? सबसे अच्छी बात एक ऑनलाइन ब्रांड होने की ये है कि वी आर बहुत एक्सेसिबल है हम लोग, तो हमारे पास ऐसा भी होता है कि अगर किसी कस्टमर को किसी फ्रेंचाइज पर थोड़ा ज़्यादा वेट भी करवा दिया जाए तो हमारे पास वो कंप्लेन पहुंच जाती है और फिर हम उस कंट्रोल को मेंटेन करते हैं। और ये हमारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं या जो बाकी अंडरस्टैंडिंग होती है फ्रेंचाइजीज के साथ वो इसी तरह होती है कि हमारी सर्विस लेवल्स कॉम्प्रोमाइज ना हो, और अगर कहीं कोई कंप्लेंट आती भी है तो कस्टमर डायरेक्टली रीचेज आउट टू द हेड ऑफिस और फिर हम मेक श्योर करते हैं कि कस्टमर को रेजोल्यूशन मिले और कॉम्पनसेशन मिले उसकी इनकन्वीनियंस के लिए भी उस फ्रेंचाइज। अगर आप फ्रेंचाइजेस खोलने जा रहे हो
एंड आपका एक बीच में बुरा दाना निकल आता है, यू गेट अ बैड एप्पल, तो डू नॉट हेजिटेट, क्योंकि भाई हमारी टर्म्स एंड कंडीशन में आपने लिखना है कि अगर आपकी आउटलेट से ज़्यादा कंप्लेनें आई तो हमने ये आपकी फ्रेंचाइज वापस ले लेनी है एंड वी विल नॉट रिटर्न योर फी, यानी उन पर भी थोड़ा प्रेशर होना चाहिए, क्योंकि ये ना हो कि आप किसी को फ्रेंचाइज दे दें और वो आपका बेरा गर्क कर दे जस्ट बिकॉज कोई फिटा हुआ बच्चा होता है जिसको आई मीन शौक होता है लेने का और उसको एक्चुअल पैसे कमाने का पता नहीं सलीका, या आपने गलती कर दी एट द टाइम ऑफ गिविंग द फ्रेंचाइज। लंबा हो गया वैसे वीडियो, तो यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। मिलियनेयरो ये हैं हमज़ा, फाउंडर ऑफ टेलीमार्ट, मैं हूँ आज़ाद चायवाला। मैं तारीफ़ अपनी नहीं करता, ठीक है, इतनी है कि यार एट द एज ऑफ 21 आई बिकेम अ डॉलर मिलियनेयर, क्योंकि मैं 12 साल की उम्र में पैसा कमाना शुरू कर दिया था मैंने, ठीक है, जो भी वजह थी मैंने शुरू कर दिया था। यू स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल, छोटे से छोटा, मैंने 53 रुपीज़ लिए थे अम्मी से, टाफियाँ बेचना शुरू की थी। सो इट डज़ नॉट मैटर कि आप सबसे पहले कौन सा काम करते हो, लेकिन शर्त यह है कि शुरू करो, शुरू करोगे तो 9 साल के बाद अगर मैं मिलियनेयर बन सकता हूँ तो आप क्यों नहीं बन सकते। अपना ख्याल रखिएगा, टिल द नेक्स्ट वीडियो, पाकिस्तान जिंदाबाद, अस्सलाम वालेकुम। इससे पहले